हम्म क्या हुआ? मैं इसको ये तो करूं, रुक जा, अब ट्राई कर। आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो अभी इसको खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं सर? हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया सर। नहीं नहीं, यहाँ चालू हो गया। अच्छा चेक करेगा, मुझे वहाँ पर वॉइस चेक करना है। हेलो 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 हेलो, नहीं हो रहा है सर शुरू। हाँ HDMI केबल लगा दे। नहीं ये कुछ 5 है। ऑनलाइन वाले बच्चे बस 2 मिनट रुकना प्लीज। कर दिया सर फुल स्क्रीन, HDMI स्प्लिटर, तभी ये दोनों जगह है। उधर नहीं आ रहा है। चल छोड़ दियो, पहले शुरू करते हैं सर, आप लोग आ जाओ। बिना टीवी के लेना पड़ेगा, चलेगा सर? हेलो 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 हेलो, जाने दो। सर शुरू करूं? आ जाओ सर। सर हाँ गाइस, गुड मॉर्निंग। अब तो खाना खा के आ गए यार, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, हम खाने के लिए थोड़ी जीते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। अच्छा बच्चों, गाइज गाइज आप लोगों का बाजू का क्लास में लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है इसी के लेक्चर का। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर अस। ओके, दिस वॉल्स आर यूजुअली क्लोज्ड, वी हैव नेवर ओपनड इट, बट ये पार्टीशन अभी खुलेगा। बाजू में बच्चे हैं जो फेस टू फेस आए हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। बच्चों सॉरी, आज आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखना पड़ सकता है क्योंकि अभी हम क्लास खोलेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और वो जो पार्टीशन है वो कल आप लोगों के लिए खुल जाएगा, ठीक है। बट अगेन बहुत सारे बच्चों को हमने प्रॉमिस कर रखा है, वी हैव, ये हर कोई बोलता है कि दैट वी हैव लिमिटेड सीट्स, बट यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव लिमिटेड सीट्स, राइट। सो जो लोग डेमो के लिए आए हैं, तुम लोग अपना डिसीजन ले लो, जो भी तुम्हारा डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी डिसीजन है ले लो, ताकि एक क्लास सेटल हो जाए और हमको पता चल जाए यही क्लास है और हम लोग अपनी क्लास उसी शिद्दत से शुरू कर सकें, ठीक है। वैसे भी क्लास आज शुरू हो ही रही है। सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चों मेरे को बताओ, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तुम लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? पक्का वीडियो क्लियर आ रहा है? पक्का? अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट बताओ क्या हाल है, फटाफट बताओ। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, अभी आफ्टरनून होने वाला है, फटाफट ये बताओ आवाज आ रही है? वेरी गुड। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह से 2 बार हो चुका है तुम्हारा वेलकम टू CA इंटरमीडिएट। कैसा लग रहा है? कुछ बच्चों के चेहरे में ना मेरे को वो वाली हंसी दिख रही है कि बचपन से सपना था ऐसे क्लास में जाएंगे, बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे। अच्छा, क्लास शुरू करने के पहले टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर मोस्ट रेनाउंड फैकल्टीज एंड दे आर सीनियर्स, एक बार मैं विशाल सर को बुला लेता हूँ और पूरी टीम को बुला लेता हूँ। वंस वी हैव देयर ब्लेसिंग्स वी विल स्टार्ट दिस विद अ क्या, स्टार्ट दिस विद अ बैंग। बुला लेना विशाल सर, मैं ही बुला लेता हूँ। विशाल सर आ जाइए सर। गाइस ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल द फैकल्टीज। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहला सेशन हो गया, अच्छा वही एनर्जी अभी है ना, तो चलिए बेटा आपकी एनर्जी देख के अच्छा लगता है, आपसे हम भी एनर्जी लेते हैं। तो दोस्तों अब आपका लॉ चालू होने वाला है और लॉ हमारे शुभम सर आपको यहाँ पे ऐसा पढ़ाएंगे कि रैंकर वे में, यानी आप जरूर रैंक के बारे में जरूर सोच पाओगे, सोच नहीं आना ही है। तो यस मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि इंडिया की मोस्ट बेस्ट फैकल्टी, एडमायरेबल फैकल्टी आज मेरे साथ है और बहुत बुराना सर फॉर इनकम टैक्स। नहीं यहाँ बहुत सारे बच्चे और नए हैं, तो इनकम टैक्स के लिए आज अपने साथ है। उनका सेशन जो है मॉर्निंग में हुआ है, नाम तो वैसे आप जानते होंगे सारे। और यस रवि सर और जय चावला सर मेरे साथ है। तो बेटा आज हमारे जो सेशन रहेंगे वो सेशन लॉ के बाद आपका लंच टाइम, उसके बाद में अकाउंट और उसके बाद में कॉस्टिंग होगा। हाँ एक बात आपको कह दूं, मैं भूल जाऊंगा, कॉस्टिंग की नोट्स आपने कलेक्ट कर लेना है और कि विनोद सर का जिसने भी क्लास लगाया है वो एक्सपर्ट एकेडमी से आपको कलेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों चलिए ऐसा ही प्यार हमारे पे रखिएगा। और अच्छा लगा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आज जो है पार्टीशन शायद मेरे को ओपन करना पड़ेगा, थोड़ी आज दिक्कत जाएगी आपको, लेकिन कल से क्लास नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भवर सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी मीठी मीठी बातें आपसे करे और एक सॉन्ग सर हो जाए। ओके सो मैं भवर सर को दे दूं। ओके देखो सॉन्ग वगैरह मुझे नहीं आता है करके, ठीक है, और मीठा मीठा तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलता करके, ठीक है, मैं सुना देता हूँ सर बच्चों को। तो मैं तो यही बोलूंगा आपको कि जो मोमेंटम आपने बनाया है वो मोमेंटम बना रहना चाहिए लास्ट डेट तक जाते जाते, बिकॉज क्या होता है मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा डे वन तो सोचते नहीं अपन दोनों ग्रुप फोड़ देंगे करके, ठीक है, 4 महीने बाद सोचते नहीं यार अपन एक ग्रुप पे जाते हैं और दूसरे ग्रुप में एक एग्जामिशन लाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँ जो मोमेंटम आज आप सोच रहे हो, आज आपने डिसाइड किया है, आज से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जानी चाहिए। आप जो प्लान करो उसको एग्जीक्यूट करो, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। और रैंक लाने के लिए जैसे शुभम सर रैंकर है, मैं तो हो नहीं करके, ठीक है, बट रैंकर शुभम सर बताएंगे आपको कि रैंक सर लाते हैं, हमारे स्टूडेंट जरूर लाते हैं रैंकर की, ठीक है, वैसा है। तो आप मेहनत करो और कंसिस्टेंटली फॉलो करो चीज़ों को। और बस आज आप सोच रहे हो ना, आज आपके दिमाग में जो थॉट्स है कि भाई हमको पास होना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होना है, बिकॉज फर्स्ट अटैम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटैम्प्ट। ना आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ना कोई आपसे कहने वाला है। अगर पहली अटैम्प्ट में पास हो गए ना तो बहुत अच्छी CA फॉर्म मिलेगी, और CA फॉर्म जब बहुत अच्छी मिलेगी बहुत अच्छा अर्न भी करते हैं और आगे की लाइफ रियल में बहुत अच्छी है जब आप क्लियर हो जाते हो। बट इसके लिए मोमेंटम चाहिए होता है, वो मोमेंटम एक बार कैरी करो अभी से और उसको लास्ट तक, लास्ट डे के लास्ट लेक्चर तक आपके साथ में वो होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपके साथ में वो होना चाहिए। सो ईजिली आप क्रैक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड गाइज लाइक आप DT में भी आप मिलेंगे, सुबह 8 से 11 बजे तक DT का लेक्चर रहेगा, अभी शुभम सर का लेक्चर रहेगा, बाकी आपको रवि सर कुछ बताएंगे। थैंक यू सर। ना प्लीज बच्चों, मैं जानता हूँ कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मन में डर लगता है कि इंटर कैसे होगा, इतनी सारी चीजें, इतने सारे बच्चों के साथ हम बैठे, थोड़ा सा लगता है डर, यस नो। लेकिन ये सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा मजा है पढ़ने के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जा रहे हैं, घर जाके हम सेल्फ स्टडी में फोड़ रहे हैं, जबरदस्त रिविजन कर रहे हैं और जितना हमने फाउंडेशन में परफॉर्म किया था उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पे परफॉर्म करें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगा अच्छा सोचकर चलिए कि बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, ऐसा सोचकर चलिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, दूसरा मैसेज मेरी तरफ से कि जैसे सर ने बोला कि आज से लाइफ चेंज होनी चाहिए, समय का अच्छा इस्तेमाल करिए। क्लास में भी और क्लास के बाद में भी अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आसपास ऐसे लोग जो पढ़ाई पे विश्वास रखते हैं। जो पढ़ाई पे विश्वास नहीं रखते वहाँ पे खड़े भी हमको रहना नहीं है। भाई जिसको विश्वास नहीं, तेरे और मेरे ऑब्जेक्टिव मैच होते नहीं तो मुझे वहाँ रहना है, क्योंकि बहुत से लोग घर से पहली बार बाहर आए होंगे। हैंड रेस करो, कितने लोग पहली बार घर से बाहर आए? ओके, तो ये पहला जो फ्रीडम मिलता है ना, पहला उसको हैंडल भी करना पड़ता है। करेक्ट। तो मेरे तरफ से मैसेज, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, सर का पेटेंटेड लाइन है। और दूसरा मैसेज कि आप जिनके साथ हो वो पढ़ाई पे जो विश्वास रखते हैं उनके साथ ही आप रहिए। नाउ डायनामिक जय सर। Just for your information guys, he is married. Okay, just FYI. And Shubham sir wants to say he's not. पूरा actually इसका उल्टा था। उनने ये कहना चाह रहे थे कि वो married नहीं है। Look at him. How cute he is. How cute. कैसा लगता है यार, मस्त। ऐसा लगता है खाने को मन करता है यार इसका। सच्ची बोलो यार। मैं गलत पंगा ले लिया तो बोल ही नहीं पा रही। सॉरी। लड़की आपने मनी मनी बोल रही हो। सॉरी, तूने गलती कर दी। एनीवेज, छोटा भाई है मेरा तो मैं थोड़ा बहुत तो बोल सकता हूँ। सो गाइज, वेलकम टू वी स्मार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो रिस्पांस दिया है, एक्चुअली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे ज़्यादा आपने रिस्पांस दिया है। तो मैं एक वर्ड में तो सबसे पहले बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वी स्मार्ट, फॉर कमिंग हेयर। ज्वाइनिंग तो शायद 4-5 दिन बाद बोलना पड़ेगा, अभी तो बहुत सारे डेमो वाले बच्चे होंगे यहाँ पे। ठीक है। सो एनीवेज, आई बिलीव कि अगर कुछ बच्चे यहाँ पर डेमो के इरादे से आए हैं तो आज ही वो फिक्स कर देंगे शुभम सर की क्लास, तो ऐसा ही होगा। और एक चीज़ बोलूँगा, हैव सम पेशेंस। आपको सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक बैठना है। सो इस इंटेंशन से आइएगा कि हमें चारों क्लासेस करनी है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा पेशेंस नहीं रहता है, बैठे बैठे थोड़ा सा कभी कभार नींद आने लगती है, तो बीच बीच में अपनी वाटर बॉटल अपने पास ज़रूर रखिएगा। अपना हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट या बीच में कुछ खाने पीने का ज़रूर रखिएगा, नहीं तो अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो मोस्टली क्या होगा, जो आपके आखिरी लेक्चर्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। हालांकि हमारे पास जो फैकल्टी हैं आखिरी लेक्चर वाले भी, वो भी बहुत ही धांसू हैं, सो ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट आपको अपना ध्यान रखना है बेटा। आपको अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले हेल्थ कम फर्स्ट, उसके बाद पढ़ाई तो आपको टीचर करवाई देंगे, डेफिनेटली करवाई देंगे। और साथ साथ आपको टीचर के साथ कंसिस्टेंटली रहना है। जितना आपको बोला जाए आपको वो फॉलो करना है, दैट्स इट। क्योंकि जो आपके सामने खड़े हुए हैं, मैं बहुत छोटा हूं विशाल सर और भवर सर के सामने, रवि सर के सामने, बट एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके सामने अभी खड़ा हुआ है कि वो लोग अगर आपको जैसा बोले अगर आप वैसा फॉलो करते हो, सो डेफिनेटली गाइस पहले ही अटेम्प्ट में विथ एग्जाम्शंस आपके पक्के हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स में, मे बी शायद सारे सब्जेक्ट्स में। सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव द माइक टू द टीम। मैं भी बता देता हूँ, मैं मैरिड हूँ। सो वैसे तो आप फाउंडेशन पास करके आए हो, बट मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ अपनी फाउंडेशन टीम को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे हमारी फाउंडेशन टीम को तो पहले से ही जानते होंगे, अमन केडिया सर को और पवन घाऊगर सर को। सो मैं माइक देना चाहूँगा दोनों फैकल्टीज़ को, दो मिनट वो आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि फाउंडेशन आप पास करके आए हो, तो अब उनकी तरफ से क्या मैसेज है। सो प्लीज़ अमन सर और पवन सर। गाइस, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड वेलकम टू CA इंटर। सर कुछ बच्चे आपके लिए ताली बजाना चाहते हैं, बजाओ ना यार। मतलब आई एम रियली वेरी हैप्पी। पहली बार ऐसा है कि मैं इंटर के क्लास में आ रहा हूँ, और मैं काफ़ी सारे चेहरे तो नहीं, बट कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका मैं जानता हूँ। आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ दर्शना, भावना, रोहित, गौरी एंड दिस ऑल ओवर माय स्टूडेंट्स, और आज ये CA इंटर में है, यहाँ बैठे हैं। एंड दोस्तों, ये हमारा सेकंड बैच है वी स्मार्ट में, फाउंडेशन में, एंड वी आर गोइंग गुड। और आप लोगों को ये बैच आगे फिर से ऐसे ही भरना है, और आज ये खुलने वाला है अभी, और फाउंडेशन में आप ही कोई बैच खोलना है। सो गाइज आपके जितने भी जूनियर्स जिनका भी कुछ किसी कारणवश रह गया, और सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ्स की वजह से ही आपके फ्रेंड्स रह जाते हैं, सो आई एश्योर यू आप उनको ज़रूर भेजिए, बताइए, एंड अगली बार वो आपके साथ इंटर में ही ऐसे बैठेंगे, आप लोग ग्रुप टू में और वो ग्रुप वन में रहेंगे, बट येस दे विल बी विथ यू. Very good. Hello everyone, very good morning. Many good. Congratulations to all of you. Guys, very well done. A big round of applause for all of you and your efforts. And हम सबको पता है, because I've been teaching foundation since 7 years now, हम सबको पता है कि कितनी मेहनत से हम लोग यहाँ पहुँचे. Am I right? Yes. काफ़ी लोगों के लिए ये भी कहूँगा मैं, कितने आंसुओं से हम यहाँ पहुँचे. Am I right? So guys, we have given our best shot. At CA Foundation level, it was our dream to get into this class. We have fulfilled the dream. Now it's time when we are living our dream, it's time to give our best shot. जितने efforts हमने दिए CA Foundation के लिए, उससे double efforts अभी हमने कर रहे हैं CA Inter के लिए. I wish you all the best. Do well. Of course, आपके कुछ friends must have fallen out of this exam for some or the other reason. Let them know about us. We would love to help them all. And our V Smart CA Foundation students, Atharv, Darshana, Harshad, Bhavna, Gauri, and so many of them. Many congratulations to you. All the very best for CA Inter. फोड़ के आ जाना इसको. थैंक यू. हेलो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता दूं. अमन सर जो हैं ये हमारे मैथ्स के दर्द मिटाते हैं ये, और पवन सर जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं. बहुत सारे बच्चों को इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है फाउंडेशन में. तो आपके जो भी बच्चे हैं जो फाउंडेशन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को एक बार ये ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा. आपके तो क्या ही बच्चे होंगे, जो भी आपके जूनियर्स हैं जिनको मैथ्स को लेकर के, लॉ को लेकर के, सब्जेक्ट्स को परेशानी है, एक बार उनको रेकमेंड ज़रूर करना कि डेमो लेक्चर्स देखिए, आइए यहाँ पे फेस टू फेस अटेंड कीजिए, और उसके बाद आज ही से शुरू हो रहा है, और उसके बाद आकर के अपने हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए. क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि हमारी फैकल्टीज़ मेहनत बहुत करती है बच्चों पे, आगे वो फिर बच्चों की ताकत होती है कि वो रैंक लाएँ, कि वो पास होएं. राइट, तो दैट्स इट. सर आपको कुछ बोलना है कि मैं क्लास शुरू करूं? चलो, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. थैंक यू सर, थैंक यू सर. चलो गाइस, हो गया. बोले सर चलने दो, अच्छा लग रहा था, थोड़ा और कर लेते, एक दो लोगों को और बुलाओ ना, है कि नहीं? हाँ बोलता है. चलो गाइस, अब मैं तुमको आठवीं बार गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं. गुड मॉर्निंग गाइस. सर हम क्या पढ़ने वाले, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले? लॉ. पूरा नाम किसी को पता है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. फाउंडेशन में लॉ था क्या तुम्हारा? क्या नाम से था? बिजनेस लॉज. और बाकी मार्क्स का क्या था? सेम टू यू. हट, पूरा बोलो, जल्दी जल्दी पूरा बोलो. बीसीआर जल्दी जल्दी बोलो. हाँ हाँ ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी जो बाजू वाले बैच में बैठे हैं, तुम लोगों को पता है, मैंने तुम लोगों को बहुत सारा काउंसलिंग भी किया, मैंने कहा था तुम लोगों को ऐसा होगा नहीं, ये पार्टीशन खुल जाएगा. आई एम सो सॉरी कि आपको वहां पे बैठना पड़ा, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, बट एक बार आज मैनेज कर लो प्लीज भाई के लिए, बाकी कल से सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? एनीवे गाइज, सर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, आप मेरे को बताओ, पहले आपके फाउंडेशन में 5 लॉज थे बिजनेस लॉज में, 5 लॉ का नाम बता पाओगे? सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा पार्टनरशिप एक्ट, चौथा एलएलपी एक्ट, पांचवा कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का आता था? कंपनीज एक्ट कितने मार्क्स का आता था? कोई 10 बोल रहा है, कोई 13 बोल रहा है, कोई 15. 10 से 15 नंबर ठीक ठीक लगा लो. सर वो आपके सीए इंटर में आ जाता है, कितने नंबर का? 60 मार्क्स का आपका पूरा कंपनी एक्ट आता है. और सर आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कंपनीज एक्ट तो कम, सबसे कम दर्द था ना, बाकी दर्द तो बाकी बड़े बड़े चैप्टर थे, है कि नहीं? कोई है जिसके लिए कंपनीज एक्ट दर्द था? अरे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, शर्माना किससे? हाथ उठाओगे तो मेरे को पता चलेगा ना कि क्या बच्चों को कहां डर है. किसी को कंपनीज एक्ट में प्रॉब्लम थी? हाथ उठाओ. बहुत कम, पर कर लेंगे. कंपनीज एक्ट अभी पूरा आपका 60 नंबर का हो जाएगा. अब सर सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले तुम लोग मेरे को 160 घंटे सुनने वाले हो. कितने घंटे भाई साहब? ठीक है, तो 160 घंटे सुनने वाले हो, तो एक 5 मिनट लगा के अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लू. बता तू तुमको मैं कौन हूँ। ठीक है सर, देखो आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा गेम लाया हूं मैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके 10 चीजें लिखी हुई है, और जिन्होंने पहले वाला डेमो वगैरह देखा है वो चीजें बदल जाती है, मेरी रोज ताजा ताजा आती है। तो स्क्रीन पे 10 चीजें लिखी हुई है, 10 में से 5 चीजें सही है, 5 चीजें गलत है। ठीक है, वो डिसाइड करोगे आप लोग क्या सही है क्या गलत है, मैं बस हाँ या ना बताऊंगा। सबसे पहला, सर आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। यस, नो, नो, okay, this is wrong. I was born and brought up in a small place called Raigada, which is in Odisha. बोलेंगे ओडिशा का है, रायगढ़ छोड़ो। ओडिशा आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, एक स्टेट है, इतनी तो हमको इज्जत दो। ठीक है, यहाँ पे आके मांगना नहीं पड़ना चाहिए। तो ओडिशा एक स्टेट है, वहां पे रायगढ़ करके एक जगह है। आई बिलोंग टू दैट प्लेस एंड आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। दूसरा सर, आई डिड माई आर्टिकलशिप विद डेलॉइट विच इज अ बिग फोर। डेलॉइट, यस, चलो ये तुमको पता था। आई हैव डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम डेलॉइट। तीसरा, आई डिड माय आर्टिकलशिप इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट। बोले आप क्या सर, आप जन्म कुंडली भी पूछोगे क्या? हमको क्या पता है क्या होता है? क्या पता है आपको क्या डिपार्टमेंट होता है? कोई बात नहीं भाई, आया है करा के जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट एक डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने वहां पे काम किया, चलो इसको टिक कर देते हैं। फोर्थ, आई क्लियर वन ग्रुप एट अ टाइम फॉर सीए इंटर, फाइनल नहीं इंटर। इंटर में मैंने एक एक ग्रुप करके क्लियर किया। यस, नो, नो, दिस इज फॉल्स। मैंने इंटर में दोनों ग्रुप जो है एक साथ क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट, आई वांटेड टू बी अ सीए एवर सिंस आई वाज अ किड। बचपन से मेरा सपना था सीए बनेंगे। नहीं, मेरा बचपन से सपना नहीं था, 12th स्टैंडर्ड के बाद समझ आया। ऐसा लगा किसी ने मेरे को झूठ बोला था, बोले ना सीए को सिग्नेचर के पैसे मिलते हैं। हाँ डन, यही कर लो। मैं तो क्योंकि नोट्स के पीछे क्या ही करते रहते थे, रोज साइन प्रैक्टिस करते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी सच है कि नहीं है? नहीं है सर, सीए को पैसे मिलते हैं मेहनत की, पर पैसे बहुत मिलते हैं। अगला वाला तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, आई वॉज अ बैक बेंचर थ्रू आउट माई लाइफ। बैक बेंचर मतलब समझते हो, जो कुछ लोग अभी आके शराफत से आगे बैठ गए, फिर 15 दिन बाद जो वो अपने पे आएंगे, पूरी खाली क्लासरूम में आके सबसे पीछे जाके बैग रखेंगे, वो बैक बेंचर होते हैं। वो मैं था, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट, आई अपने बारे में, आई वॉच अ लॉट ऑफ सीरीज, नेटफ्लिक्स वगैरह पे या फिर हॉटस्टार पे। यस और नो? ओ भाई मैं इंटर पढ़ाता हूँ, फाइनल पढ़ाता हूँ, इतनी सारी चीजें, सीरीज भी। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। तुम लोग एक भी सीरीज का नाम ले लो, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, वो सारी सीरीज मैंने देखा है। मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, बिग बैंग थियरी, फ्रेंड्स, सारी सीरीज जो है वो मैंने देख लिया, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी कभी आर्टिकलशिप की है। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करो, उसके बाद 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक सीरीज देखो, यही तो काम था। तो सब कुछ देख लिया सर, और सब कुछ देखते हैं। नेक्स्ट, वी विल डू अ लॉट ऑफ मस्ती इन द क्लास। सर ये सही होता अगर इसमें अ लॉट वर्ड ना होता, तो तुमको थोड़ा ना क्रिटिकली पढ़ना पड़ेगा। अ लॉट तो नहीं, मस्ती जरूर करेंगे, पर तुम्हारे पापा ने उम्मीद है मेरे को मस्ती के पैसे नहीं दिए। किस चीज के पैसे मिले हैं हमको? क्लासेस के। तो क्लासेस होंगी, मस्ती होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो ये गलत है। नेक्स्ट, आई कैन डांस, आई कैन डांस। और नेक्स्ट है आई कैन सिंग। या तो दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। अब देखो ऊपर ट्रू कितने हो गए, 1 2 3 4 ट्रू हो गए, 4 फॉल्स हो गए, तो 1 सही 1 गलत। सर आवाज सुन के लग रहा है गाना तो बहुत दूर तक नहीं बैठेगा, बहुत दूर तक नहीं बैठेगा सर गाना। बात तो सही है सर। तो आई कैन नॉट सिंग एंड आई कैन नॉट डांस। आई कैन डांस, थोड़ा बहुत मैं नाच लेता हूं। सर नाच के दिखाओ, कभी मत बोलना, ठीक है, क्लास में आए हैं नाचने के लिए, नहीं आए हैं। ठीक है, तो सर ये मेरा इंट्रोडक्शन था। माई नेम इज शुभम सिंघल एंड मैं 2018 में CA बना, और मैं उसके बाद से लॉ पढ़ा रहा हूं। और तुम लोग मानोगे अगर एक बात कह दूं, तो एक बात बोल दूं, पक्का सुनोगे? एक बात बोल दूं, पक्का? सर ये जो बैच है ना, ये प्रेस्टीज पॉइंट में दूसरी बैच है, सेकेंड बैच है सिर्फ, इसके पहले पहली बैच थी। थैंक्स टू ऑल दैट किड्स। ये तुमको कैमरामैन लग रहा होगा, ये जो है इंसान, ये तुमको कैमरामैन लग रहा होगा, पर ये मेरे पिछले बैच का बच्चा है, ये मेरे पिछले बैच का स्टूडेंट है, और ये ऐसे ही आया है यहाँ पे आउट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो वो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट से आया है। बट द पॉइंट इज, अच्छी खासी बैच थी, और उन्होंने इतनी जोर से हवा उठाई कि हवा बदल गई थोड़ी सी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और जो पुराने बैच के कुछ बच्चे अगर देख रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर ऑल द ट्रस्ट अब सर मेरी बात सुनो, हो गई मेरे बारे में बात, अब इसके आगे मेरे बारे में बात नहीं होगी। अब बात होगी दो चीजों के बारे में, एक तुम्हारे बारे में और एक तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में। सर सीए इंटर में आपके नोट्स कहाँ हैं? कुछ नोट्स लाए हो आज? नहीं तो क्या सोच के क्लास आए थे? एक नोट्स तो लाते यार। चलो कुछ पेजेस वगैरह हैं तो उनको खोल लो एक बार पेजेस और हेडिंग डाल दो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। लाइव स्ट्रीमिंग वाले जो उधर बैठे हैं मैं आऊंगा थोड़ी देर में, तुम भी लिखो। सर हेडिंग डालो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। भाई साहब बुक ऐसा पैक कर रखे थे जैसे छुट्टी होने वाली है। सुनना बोलना थोड़े से पेजेस ले आएंगे, किशोर दादा कोई किसी को बोल दे। हेडिंग डाला सर आपने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस से मिलाता हूं, ठीक है? अभी नोट्स वोट्स में नाम तुम अपना देख लो क्या लिखना है, पर नीचे लिखो सिलेबस। पॉइंट नंबर 1 सिलेबस। सर आपका जो पेपर टू लॉ का सिलेबस है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैं तुमको हिंट देता हूं, हेडिंग है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तो कौन से दो पार्ट में डिवाइड होगा गेस करो? सर एक कॉर्पोरेट लॉ एक अदर लॉ, तो बांटो। एक कॉर्पोरेट लॉ हो गया आपका और हर कोई बेटा नोट्स लिखेगा, हर कोई नोट्स लिखेगा। डालो एक कॉर्पोरेट लॉ और एक अदर लॉ। सर आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100। और पूरा जो लॉ है ना 100 मार्क्स का ही आता है, लॉ के अलावा कोई और सब्जेक्ट पेपर 2 में नहीं है। तो आपके 100 मार्क्स में कॉर्पोरेट लॉ का पोर्शन है 60 मार्क्स और अदर लॉ का पोर्शन है 40 मार्क्स। अब सर कॉर्पोरेट लॉ में क्या आता है? सर कॉर्पोरेट लॉ में हम सिर्फ एक ही एक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। लिखो तो ऐसे जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, नीचे करके लिखो कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरी तरफ आता है आपका अदर लॉ। सर जैसे आपका बिजनेस लॉ में 5 अलग अलग लॉ थे ना, यहां पे अदर लॉज में आपके 4 अलग अलग लॉज हैं। सबसे पहला दोस्त सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जान दो ना साल क्या करना है अपन, क्या अपने मेरे जितने जनरेशन तक को जानता हूं तब तक तो कोई भी पैदा नहीं हुआ था। तुम पहले लिखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है करके तुम ईयर बता रहे थे। अच्छा दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तीसरा जनरल क्लॉज एक्ट। और चौथा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बाजू वाली क्लास में बेटा, इसके बाजू वाली क्लास में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सर एक एक करके बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? जो आपने ये तो पढ़ लिया ना फाउंडेशन में, तो इंटर में क्या है? सर फाउंडेशन में जो आपने पढ़ा था ना वो बहुत बेसिक था। नाम क्या था भाई? फाउंडेशन, मतलब वो बहुत बेसिक था। आपने वहां पे पढ़ा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने बेसिक बनाया। उधर क्या था? आपका कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड। जैसे कि एक्सप्रेस मतलब पेपर पे लिख दिया तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो दिया, आंख मार के बात किया तो वो क्या हो गया? इम्प्लाइड। कि आंख मारा है मतलब उनके तरफ से हाँ है, करेक्ट? तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर हमारे अभी इंटर लेवल पे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम बहुत स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, 5 अलग अलग तरह के हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे जिसका थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड फाउंडेशन में फिर भी पढ़ा है, जैसे कि बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया। ये सब जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है उसी का बहुत डिटेल्ड वर्जन जो है हम आगे पढ़ेंगे। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से सेक्शन तक फाउंडेशन में पढ़ा है? सर बोले सर कंटेंट याद हो जाए बहुत बड़ी बात है, सेक्शन की बात कर रहे हो आप। चलो ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर हम उसके आगे का पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है सर? एनीवन? यस, वो हो गया। मतलब तू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खोलेगा तो उधर लिखा रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। खत्म। किस बारे में है? उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रॉमिसरी नोट्स और तीसरा चेक, ये तीन चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और जो चेक वाला पोर्शन है ना, वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट है कि आप बुकिश नॉलेज तो सीखोगे, साथ में ये भी समझोगे कि जो पापा चेक काट काट के देते रहते हैं, आप उनको जाके बोलोगे पापा क्रॉस करो ना साइड में, गाल में पड़ेगी वो अलग बात है कि चल चल बाप को मत सिखा, पर उसके अलावा जाके बता तो सकोगे कि पापा देखो ऐसे होता है क्रॉसिंग का मतलब। और उसके बाद तीसरा कौन सा एक्ट है? जनरल क्लॉज एक्ट। सर ये सबसे फनी एक्ट है। सबसे फनी एक्ट क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ऐसी ऐसी चीजें लिखी है ना, ये लोगों ने जनरल क्लॉज एक्ट में क्या लिखा, लॉ हमारा है, हम लॉ में जो लिख रहे हैं उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर लॉ में लिखा है A company may be formed for legal purpose. क्या लिखा है? मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं। लिखा है A company may be formed for legal purpose. सर यहां पे may be वर्ड लिखा है, may, इसका मतलब क्या? क्या मैं इलीगल पर्पस के लिए कंपनी बना सकता हूं? मन से मत सोचो, लिटरली सोचो। लॉ में क्या लिखा है? कंपनी may be formed for legal purpose. मतलब मैं कंपनी इलीगल, बोले मेरी कंपनी का नाम मर्डर करो लिमिटेड, बोले कोई आता है मेरे को पैसा देता है और बोलता है जा करके मर्डर करके आ जा, तो मैं मर्डर करके आता, ऐसी कंपनी खोल सकते क्या? ये तो इलीगल है ना सर, पर लॉ में तो लिखा है मे। तो इन्होंने जनरल क्लॉज एक्ट में जाकर के लिखा कि भाई हमने मे लिखा है ना, उसका मतलब शैल है? हमने जो मे लिखा है उसका मतलब शैल है, तो हम कहीं मे लिख रहे हैं उसको तुम शैल पढ़ना पढ़ सकते हैं, कहीं हम शैल लिख रहे हैं तो मे लिखना पढ़ सकते हैं, कि एंड लिख रहे हैं तो और पढ़ना पढ़ सकते हैं। बोले क्यों? माय लाइफ माय रूल्स, इट इज एज इजी, हमने कह दिया। उधर क्या लिखते हैं? अभी किसी ने एक बार एक केस हुआ था, एक लड़की ने, एक डायरेक्टर थी जो एक लड़की थी, उसने कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारा फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद कोर्ट में जाकर के उसको पेनल्टी सुनाया गया, दैट यू विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। मतलब उसको बोला गया 1 लाख रुपए तेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा। उसने क्या केस किया पता है? बोले कंपनीज एक्ट तो मेरे लिए अप्लाई ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में हर जगह जो वर्ड लिखा है वो लिखा है ही शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। मैं तो शी है, ये देखो बर्थ सर्टिफिकेट। तो इनको जनरल क्लॉज एक्ट में लिखना पड़ा कि ही शैल इंक्लूड शी। तो मतलब एकदम फनी एक्ट है सर, बहुत मजा आएगा। जनरल क्लॉज एक्ट अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और फोर्थ वाला जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसका क्या मतलब है? तुम देखो कभी कभी इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ मजाक कैसे करते हैं। तुमने पूरा लॉ पढ़ा फाउंडेशन में, उसके बाद इंटर में तुम पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, उसके बाद तुम पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा नेगोशिएबल, पूरा जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ोगे, उसके बाद जाके 4th चैप्टर में वो आपको समझाएंगे लॉ पढ़ना कैसे है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कि स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कैसे करना है वो तुमको सिखाया जाएगा। ये तुम्हारे इंटर का लॉ का लास्ट चैप्टर है। भाई पहले डाल देते हैं, बोले है सिंप्लीफाई कर दे तुम्हारी लाइफ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम तो 4th में ही डालेंगे ताकि तुम पूरा लॉ पढ़ के आओ। फिर बोला अच्छा ऐसे पढ़ना था क्या, सॉरी फिर से पढ़ते हैं अभी जाकर के, तब जाके अटेम्प्ट लग जाता है दोस्त। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आपको बताया गया है कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है। तो हम लोगों को जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर है वो अलग से पूरा करने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरा कंपनी लॉ करेंगे तो जहां जहां पे भी हमको समझने लायक चीजें होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। तो जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो गया है कि नहीं बेटा, है कि नहीं, हो जाएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर, इधर आपने कंपनीज एक्ट डाला था। कंपनीज एक्ट आपको पता है सेक्शंस में डिवाइडेड है। क्या आपको पता है कंपनीज एक्ट सेक्शन में डिवाइडेड है? कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? कितने सेक्शन है? अरे बोलो, 470 सेक्शन है दोस्तों, 470। आपके इंटर के सिलेबस में कितने हैं? सब मेरे स्क्रीन से देख के बता दोगे तो मैं क्या, कुछ मैं लिख के आया, मैं तुमको दिखा के पूछ रहा हूं क्या लिखा हुआ है। सर आपके इंटर के सिलेबस में अभी डिस्काउंट चल रहा है। क्या डिस्काउंट चल रहा है? 470 सेक्शन के जगह तुमको सिर्फ 148 सेक्शन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सर नवंबर में नया सिलेबस नहीं आ रहा है। अगर नया सिलेबस आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो बाकी बचे हुए सेक्शन फाइनल में है वो खींच करके इंटर में ला दिए जाए। तो अगर तुम मई 24 में देने का विचार रखते हो तो तुम्हारे लिए कितने सेक्शंस हैं? 470। पर अगर आप नवंबर में दे दोगे तो डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट में कितने सेक्शंस आएंगे? सिर्फ 148 तक। बताओ कौन सा अटेम्प्ट अच्छा? बोले जल्दी जल्दी निकल लो। एक बार मिनिस्ट्री को हमने बोला लॉ हटा दो, ठीक है, फाइनल से। तो उन्होंने पूछा अरे बच्चे को फिर 149 से 470 का नॉलेज कहां से आएगा? तो हमारे बच्चे बोले चाहिए किसको, हमको तो पास होना है, नॉलेज किसको चाहिए भाई तू बता, उसमें से मार्क्स देगा क्या तो हम पढ़ लेंगे। किसी को पेपर चाहिए, कोई नोट्स नहीं लाया हो, पहले तो शक्ल दिखाओ अपनी जो बिना नोट्स के आज डेमो लेने आया है। पर किसी को पेपर वेपर चाहिए नहीं, चल रख दे, एक बार रख दे, बाद में देखते हैं। सुनो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जे कंपनीज एक्ट में आपका सेक्शन 1 से लेकर के 480 की जगह 148 तक है। तो आपने नीचे यहाँ पे लिखा है इसे कंपनीज एक्ट 2013, वहां पे ब्रैकेट में लिखो 1 से 148 तक आपका सेक्शन है। अब ये क्योंकि नया कोर्स आ गया तो ये वैलिड हो जाएगा, ओल्ड कोर्स आ गया तो ये वैलिड हो जाएगा नवंबर 23 तक। अब से मेरी बात सुनो, आपने एक बात बताई सर कि कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट है, सर ये लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है? मेरे को पता है तुमने सुबह थोड़ा थोड़ा सुना है, तुम चीटिंग कर रहे हो, पर फिर भी चलो, कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है? कोई है? अरे भीड़ में घुस के नहीं, हाथ उठा के बोलो, बोल बेटा। ओ भाई साहब, एक्ट इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ। कोई और कुछ बताना चाहे? सर क्या मैं बोल सकता हूं लॉ एक्ट, ऐसा बोल सकता हूं? तुम समझोगे ना लॉ, सर आप ऐसा पढ़ाने वाले हो क्या? मैं मजाक कर रहा हूं बेटा। लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? सर जैसे कि एक एग्जांपल समझो, आज हम क्लास में हैं और मैंने सोचा यार क्लास में डिसिप्लिन वगैरह बनाने के लिए, क्लास का डेकोरम बनाने के लिए अपने को कोई लॉ बनाना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया क्लास के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, ये हो गया क्लास रिलेटेड लॉ। अब वो लॉ में हमको अलग अलग तरह के एक्ट्स बनाने पड़ सकते हैं। जैसा पहला एक्ट हो गया अटेंडेंस से रिलेटेड एक्ट, कि क्लास में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन छुट्टी मार रहा है, उससे रिलेटेड एक एक्ट हो गया। एक क्लास में हो गया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्ट। तो हमने क्या किया, एक क्लास का लॉ बनाने में हमने अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्ट बनाए। जैसे कि आपने फाउंडेशन में बिजनेस लॉ पढ़ा था, अब बिजनेस चलाने के लिए सर एक एक्ट से काम चलेगा क्या? नहीं, तो उसके लिए हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी समझना पड़ा, पार्टनरशिप एक्ट भी समझना पड़ा, कंपनीज एक्ट भी समझना पड़ा। तो लॉ एक ब्रॉडर टर्म होता है और उसका पार्ट होता है एक्ट। अब सर एक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपने कोई एक नाम सुना है रूल्स, सुना है सर? तो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए और चीजें आती है जिसको हम कहते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ये सारी केस लॉज, ये सारी चीजें मिला करके क्या बनती है बेटा, ये सारी चीजें को एक साथ जब पढ़ोगे ना तब आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हो, समझे? तो व्हाट इज लॉ? लॉ इज नथिंग बट एक्ट्स टुगेदर विथ रूल्स, विथ रेगुलेशंस, टुगेदर विथ नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गैजेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो सर आप अपने हेडिंग डालो सेकंड वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? गुड एनफ। हेडिंग लिखो अंदर, लॉ इज इक्वल टू, बोले मैथ्स अभी छोड़ के आए थे, सोचे यहां पे लॉ में इज इक्वल टू आ गया। लिखो लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस, लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस प्लस केस लॉज। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं कि एक्ट पढ़ने वाले हैं? हम लोग तो सर आज तक दुनिया में जो लिख दिया है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो तुम जिस भी नाम से बुला लो। कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे आप, कंपनी रूल्स भी पढ़ोगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज भी पढ़ोगे और बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। पर सर अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, थोड़ा सा क्लास शुरू करने के पहले मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहता हूं जो मैं आगे चल करके आपको नहीं बताऊंगा, पर आपको समझना जरूरी है। चलो सर आज तो आप हल्के हल्के में आ गए, कल पूरी तैयारी के साथ आना। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं आपको क्लास में क्या क्या मिलने वाले हैं। सर क्लास में आपको 3 नोट्स मिलेंगे, कितने बोलो, कितने? 3। ये पहला नोट्स मिलेगा आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट नोट्स है, क्या है ये? कॉन्सेप्ट नोट्स। ये दूसरा बुक मिलेगा आपको जो क्या है, क्वेश्चन बैंक है, ये क्या है? एक और बुक आपको मिलेगा जो हमारा एमसीक्यू बुकलेट होगा। बस 3 बुक, एक क्वेश्चन अगर इसके बाहर आ जाए तो मैं लॉ पढ़ाना देखूंगा क्या करेंगे उसका, क्योंकि क्या है ऐसे वीडियोस इंस्टीट्यूट भी सुन रहा होता है, बोलेगा अच्छा एक क्वेश्चन बस डाल रहे, डाल फाइनल का, और एक क्वेश्चन फाइनल का आता ही आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मान के चलो तुमको 100 नंबर तो मिलने ही नहीं है, 96 का पेपर है ये, मान के चलो एक क्वेश्चन ये लोग प्यार से फाइनल का देते ही है, ठीक है? तो लॉ पढ़ाना बंद कर दूंगा बोले, सुनो शुरू हुआ नहीं है ढंग से, बंद कर देंगे बोले। सुनो सर आपको 3 किताबें मिलेगी। अब ये 3 किताबें तो आपको क्लास में मिलेगी, सर क्या ये तीनों किताबें क्लास में लाना रोज जरूरी है? जो तीसरा बुक मिलेगा वो आपको लाना जरूरी नहीं है, पहला 2 लाने। अब सर ये तो ठीक है, पर बुक मिलेगी कब? आप लोगों को बुक मिलने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं और जो वर्चुअल वाले बच्चे हैं आप लोगों को कम से कम 8 से 9 दिन मिलेंगे। अच्छा, 8 से 9 दिन में पहले आप लोगों को मैं पीडीएफ डाल करके दे दूंगा, वो पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लो, उससे आराम से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, उससे आराम से अपना 7 से 8 दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं कोशिश करूंगा कल पीडीएफ दिलवा दूं यहाँ पे। पर ये बुक आपकी नई वाली बुक मॉडल नहीं, नई वाली जो वर्जन है वो प्रिंटिंग में गई है, तो वो वर्जन आते ही आप लोगों को मिल जाएगी। अब सर ये तो मेरे नोट्स हो गए, आपको भी तो नोट्स बनाने हैं। आपको लॉ के लिए 3 नोट्स बनाने हैं। कितने? 3। वो चाहे आप सुन लो 3 क्या है, आप उसको 2 में भी बना सकते हो, कैसे मैं बताऊंगा। एक आपका खुद का कॉन्सेप्ट नोट्स होगा। सर क्या कॉन्सेप्ट नोट्स? जो ये चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी क्लास में, इस तरीके से हमारी बहुत सारी नोट्स भरने वाली है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर भर जाएगा। तो आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नोट्स रहेगा, ठीक है मैडम। और दूसरा रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक का नोट्स। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके लिए मेरे को अलग से नोट्स चाहिए। आप एक ही नोट्स में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक दोनों अरे बोलो ना बेटा, नहीं करोगे। ठीक है, दोनों आप नहीं करोगे, आप अलग अलग रखोगे। अब सर तीसरा नोट्स क्या है? व्हाट इज द थर्ड नोट्स? सर तीसरा नोट्स ये है कि जब मैं क्लास में आप लोगों को कुछ, अभी तो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, पर आगे चल करके जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं जो भी क्लास में ड्रॉ कर रहा हूं, जो भी चीजें मैं क्लास में लिख रहा हूं, तुम मेरे साथ साथ स्क्रिबल करोगे। क्या करोगे? स्क्रिबल। मतलब तुम बस सुन करके, वो एकदम रफ नोट्स है। स्क्रिबल क्यों कर रहे हो? सर मेरे को एक बात बताओ, लॉ थियरी पेपर है कि प्रैक्टिकल? थियरी की प्रैक्टिकल। थियरी में क्या आती है सर? हाय, कम से कम धीरे बोल लो। ये थियरी में क्या आता है? नींद आता है सर, नेचुरल सी बात है। सर हमको नींद क्यों आती है? कभी भी हमको नींद क्यों आती है? बोले सर मेरे को यही तो नहीं पता चल रहा है जिंदगी में, बाकी सब का इलाज हो गया, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है इतनी नींद आती कहां से है मेरे को। बेटा हमको नींद क्यों आती है? जब हमारा माइंड या तो बहुत थका हुआ होता है या फिर बहुत अंडर यूटिलाइज होता है। मतलब मैं अगर अग्रेसिवली 4-5 काम कर रहा हूं तो मेरे को नींद नहीं आएगी। ऐसा क्या 4-5 काम करते करते सो रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। तुमको नींद कब आती है? जब तुम्हारा दिमाग कम यूटिलाइज है। अब एक सिंपल सी चीज समझो, क्या इस क्लास में क्या हर बच्चे और जो वर्चुअल देख रहे हैं, क्या सारे बच्चे एक दिमाग बराबर है? नहीं, कोई बहुत स्मार्ट है, कोई बहुत स्लो है। तो मैं तो एक मीडियम लेवल पे पढ़ाऊंगा। अब जिसको एक बार में चीजें समझ आ गई, उसको मैं जब चीजें रिपीट कर रहा हूं तब उसको आ रही है नींद। तो क्यों ना जब मैं रिपीट कर रहा हूं तब तुम कुछ और कर लो। क्या कर सकते हो? जो मैंने पढ़ा है उसको लिख लो। जो मैं तो भैया, मैं जब स्टूडेंट था ना तो मेरे को तो चीजें एक बार में जब समझ आ जाती थी तो मैं तो सर कराए ना कराए मैं उसका क्वेश्चन देख के साइड में सॉल्व कर रहा हूं। जब सर दूसरी बार समझा रहे, घर का लोड कम होता है, घर जाकर के फिर तुम आराम से वो पूरी कर सकते हो जो तुमको क्लास में पूरी करने की लगी है। नींद, तो घर जाकर के तुम आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हो। तो क्लास में आए हो तो पढ़ने का, घर जाके सोने का, दोनों मिक्स मैच करने का नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को नींद क्यों आती है? क्योंकि आपका दिमाग कम यूटिलाइज है। आप लोगों को ओवर यूटिलाइज करना पड़ेगा। या तो तुम क्लास में याद करना शुरू कर दो, रट्टा, मैं पढ़ा रहा हूं अपने नोट से, तुम मेरा कॉन्सेप्ट नोट्स खोलो, वहां से पढ़ना शुरू कर दो साइड बाई साइड। तुम लोग देखोगे, थोड़ा टाइम जाने दो, तुम लोग देखोगे कुछ बच्चे हैं जो ये बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। मतलब वो क्लास में घर का काम खत्म करके चले जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में क्लास का ही काम नहीं खत्म कर पाते, क्लास का लोड घर पे लेके जाते हैं। तो तुमको कौन से कैटेगरी में आना है? जो क्लास में क्लास का काम खत्म कर तो लेते हैं, होमवर्क भी क्लास में ही खत्म कर लेते हैं, तुमको वो कैटेगरी में आना है। तो तुम क्या करोगे? जो भी चीज मैं लिख रहा हूं वो तुम स्क्रिबल करोगे। स्क्रिबल करते वक्त सर आपको नेचुरली नीचे देखना पड़ेगा, तो हर 2-2 मिनट में ऊपर देख लेना। कोई बच्चा अगर 10 मिनट से नीचे देख रहे है ना तो मैं समझ जाऊंगा कि कहां चला गया है, वो कौन से जोन में चला गया है। तो ऐसा नहीं सोचना कि नीचे देख करके सर को तो लग रहा है हम स्क्रिबल कर रहे हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, अब सर 3 रजिस्टर आपके होंगे, फोकस आपका क्लास में इंप्रूव होगा। अब सर नेक्स्ट बात, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के वक्त बोले सर हमको लॉ से बहुत ज्यादा डर। अच्छा एक सेकंड, ये जो स्क्रिबल वाली बातें हैं ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा मत सोचना मैं तो घर में हूं, मेरे को कोई नहीं देख रहा। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों, तुम्हारे लिए एक बात बता देता हूं, तुमने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ली है डिसिप्लिन की। ये बच्चे तो मेरी नजर में, तुम मेरे नजर में नहीं हो, तो तुमने डिसिप्लिन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम मेरी बातों को पत्थर की लकीर बना लो। अगर मैंने बोल दिया, तुम इतना मान रख लो कि मैंने बोल दिया तो तुम कर लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा 3.5 महीने बाद कब तुम्हारा करते 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 सारे चैप्टर खत्म हो गए, सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। तो टीचर अगर आया है लाइव स्ट्रीमिंग, ये नहीं सोचना बाद में देखूंगा, आराम से देखूंगा। अगर आया है पढ़ाने तो अभी कर लो। हम लोगों को घर में सोचो, ये बच्चे तो यहाँ सो जाते हैं, फिर भी तुम सोचो, तुम तो सो जाओगे तो तुम्हारा तो व्यू भी खत्म हो जाएगा। एक बच्चा मैसेज करते हैं, सर मेरा व्यू का एक्सटेंशन हो जाएगा ये एक लेक्चर का। बोले क्यों? बोले सर मैं कल बहुत थका हुआ था, लेक्चर प्ले हो गया और मैं सो गया। अरे बेटा कम से कम पॉज करके सोता है, इतनी तो इज्जत रखो कि टीचर पढ़ा रहे साइड में, हम अलग से बिस्तर में लेट के सो रहे घर में अपने। तो ऐसी चीजें मत करना, व्यूज का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब सर बच्चे जो फाउंडेशन आए, बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने बोला लॉ से डर लगता है। साहब किसको किसको लॉ से डर लगता है? मेरे को तुम लोग वोट करो, अपनी तुम्हारी वोट से मेरे को मेजॉरिटी समझ आता है। किसको किसको लॉ से डर लगता है? नीचे करो। किसको किसको लॉ, अबे नीचे कर। किसको किसको लॉ से प्यार है? अच्छा कौन जीता बताओ? डर वाले जीते। सर आपको लॉ से क्यों डर लगता है बताओ? क्योंकि तुम ऐसा मन में सोच रहे हो। सबसे पहली बात मैं तुमको क्लियर कर दूं, पिछले अटेम्प्ट के फाउंडेशन का रिजल्ट थोड़ा सा लॉ में खराब था। इसमें कोई टीचर या कोई स्टूडेंट की गलती नहीं थी, इसमें थोड़ी सी गलती आईसीएआई की थी, क्योंकि उन्होंने मार्क्स काटे हैं। उन्होंने उतने मार्क्स दिए नहीं है जितना एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो तुम अपने मार्क्स को देख करके लॉ का डर मत सोचो। तुम ये बताओ, इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया लॉ से डर का, अब मेरे को ये बताओ कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन में लॉ जब पढ़ते थे तब उनको मजा नहीं आती थी? बताओ, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ। तुम देख रहे हो कितने बच्चे कम हुए? आर यू लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? मतलब अगर 150 बच्चों ने हाथ उठाया था डर लगता है, मुश्किल से 20 बच्चे बोल रहे नहीं जपता था, तो बेटा वो 130 से मेरी बात यह है, आज के बाद एक बार भी अपने मन में या बाहर ये नहीं बोलोगे कि मेरे को लॉ से डर लगता है, क्योंकि तुमको समझ नहीं आता है। बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, मैं था स्कूल में और एक लड़की थी, अभी एक दोस्त था हमारा, वो हम दोनों को जबरदस्ती चिढ़ाता रहता था हर दिन, भाई तेरे को तो इससे प्यार है, भाई तेरे को तो इससे प्यार है। अबे हो गया 1 साल बाद, क्यों हुआ? वो बोल रहा था करके मेरे को लगने लगा हाँ यार होगा करके बोल रहे। तो ये ना माइंड इफेक्ट होता है। तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना है, जो चीजें तुम रिपीट करते हो बार बार वो तुम्हारे दिल में दिमाग में चले जाता है। तो बार बार जो तुम आके बोलते रहते हो सर लॉ से डर लगता है, लॉ से डर लगता है, वर्ड्स बदल दो अपने, झूठ बोलो। जब तक अंदर से फील नहीं होता तब तक झूठ बोलो, लॉ तो बहुत मजेदार है, लॉ में तो बहुत और मजेदार तो है। ये बोलो लॉ में मार्क्स मिलेंगे, लॉ में मार्क्स मिलेंगे। और मैं सर आपको प्रॉमिस करता हूं इंटर में लॉ में मार्क्स मिलेंगे। रिदम है भाई, आप क्रोनोलॉजी समझो, आप टेक्निक समझो, तरीके से पढ़ेंगे तरीके से लिखेंगे तो कोई भी मार्क्स देगा ना। वो क्या दुश्मन है क्या हमारा जो चेक कर रहे? हाँ मत बोलना, मन में बोलो। तो वो क्या दुश्मन है क्या हमारा? नहीं ना, तो फिर मार्क्स हमको मिलेंगे। तो आपको लिखने का टेक्निक सीखना है। अब सर दूसरी बात, इंटर लेवल पे पेपर का पैटर्न क्या होता है? 100 मार्क का पेपर होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है? सर आपको पता है कितने एमसीक्यूज होते हैं? कितने एमसीक्यूज होते हैं? 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है, 70 मार्क्स का क्या होता है आपका? डिस्क्रिप्टिव होता है। आप समझो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, अगर आपने 14 चैप्टर्स जो आपके लॉ में है वो पूरे अच्छे से खत्म कर लिए ना, 30 में से 28 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप मेरी बात सुन लो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एमसीक्यू इज अ गेम चेंजर। नाउ व्हेन यू आर स्कोरिंग 28 आउट ऑफ 30, पास होने के लिए कितने बचे? 12। कैसे लॉ, कैसा डर हुआ रे? लॉ में कैसे पास नहीं होंगे तुम? 12 कितने मार्क्स में से? तुम बोल रहे हो 70, पर मैं बोल रहा हूं 84, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी तो होते हैं, एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन होते हैं। 84 में से 12 नहीं ला सकते क्या? वो तो तुम 6 चैप्टर भी पढ़ के जाओगे तो ले आओगे। तो लॉ इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू पास, पर अगर आपको एग्जेम्पशन लाना है तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको कितने मार्क्स लाने रहेंगे? 32 मार्क्स। अगेन आउट ऑफ हाउ मच? 80। आप 70 अटेम्प्ट करोगे, आप ऐसे समझ लो। तो 32 मार्क्स मतलब 50% एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो, 50% एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए। जो तुम ये करते रहते हो ना, एक बच्चा आया बोले सर कितने क्वेश्चन लिखवाओगे क्लास में? मैंने बोला पता नहीं यार, गिना नहीं कभी, लिखवा देंगे देख लेंगे, हर दिन लिखेंगे। तो कहते हैं बाकी क्लास में तो बोल रहे 200 लिखवाएंगे। तो ना डन करना, फिर सोच क्या रहे? जब मेरे को पता नहीं और वो 200 लिखवा रहे, तो तेरा तो डिसीजन क्लियर है कि 200 जहां लिखवा रहे। अबे 200 लिख के कर क्या लोगे? सर अगर मैं एक ही चीज गलत 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 200 बार लिख लूं, चीजें सुधर जाती है क्या? वही चीज अगर मैं 10 बार लिखूं, 10 बार में हर कदम पे अपने आप को इंप्रूव कर लूं, तो 10 बार में भी वो काम हो गया ना। मशीन जैसे काम मत करना, क्योंकि बेटा मशीन जैसे काम करके अपना काम नहीं होगा इंटर लेवल पे। तो आपको समझना है, आपको ठोकना सबसे ज्यादा कहां है? एमसीक्यूज में। बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये क्लास में हम एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉ से डरना बंद करना पड़ेगा। मन में एक पॉजिटिविटी लाओ, अपने आप से बोलना शुरू करो। शुरू के 7 दिन जब बोलोगे ना मैं एग्जामिनेशन लाऊंगा, तो अंदर खुद हंसोगे, हाँ चलना भाई किसको झूठ बोल रहे। पर आगे चल के 7वें दिन के बाद 8वां दिन आएगा जब तुम ये मानने लग जाओगे और ये धीरे धीरे सच हो जाएगा। ठीक है, तो अपने आप से ये बोलो लॉ में मैं एग्जेम्पशन लाऊंगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरे को बस 50% मार्क्स चाहिए हर डिस्क्रिप्टिव आंसर में। कितना? 50% मार्क्स। बहुत आसान है रे, 4 में से 2 नहीं देगा। तुम लॉ का लैंग्वेज लिखो या नहीं लिखो, कॉन्सेप्ट अगर सही लिख दिया तो 4 में से 2 तो वैसे भी दे देता, तो एग्जेम्पशन आ जाएगा। समझे? अब सर एमसीक्यू के बारे में बता दिया मैंने आपको, सब बता दिया मैंने। चलो सर, अब सर शुरू करते हैं लॉ। अभी तक भी क्लास नहीं शुरू हुई है, क्या बात कर रहे हो सर? है तो थोड़ा फाउंडेशन बनाना पड़ता है ना, तुम लोगों को समझना पड़ेगा। जो तुमने फाउंडेशन का एग्जाम देके आया है वो तो आपका क्या था, एक तरह का क्या था, वार्म अप नहीं था बे? कौन वार्म अप? कौन बोला? बोले वार्म अप था। अरे वार्म अप में किसी की बच गई, तुम ऐसा मजाक उड़ा रहे। हाँ, जो 90,000 लोग हारे वो वार्म अप में हार गए क्या? बोले रेस शुरू भी नहीं हुई। बेटा आपका फाउंडेशन एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट था। अब आप जो पढ़ोगे ना, जिस तरीके से आप अभी अकाउंट्स पढ़ोगे, आप जिस तरीके से अभी लॉ पढ़ोगे, ये आपका पूरा फाउंडेशन बनाएगा। आपका जो लॉ है, ये जो लॉ सीखोगे आप, इससे आपका आगे चल करके डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ये दोनों लिंक होते हैं क्योंकि वो भी लॉ है अपने आप। तो आप लॉ पढ़ना समझ जाओगे ना तो आप कोई भी लॉ पढ़ लोगे फिर। तो ये पूरा आपका फाउंडेशन ही है एक तरह से जो आपका फाइनल को शेप देगा। तो उसको बड़े सोच समझ करके बनाओ। हर क्लास में कोई भी चीज अगर नहीं समझ आ रही है तो डाउट पूछो। एक बार पूछो समझाऊंगा, नहीं समझ आया। 2 बार पूछो, डांट के समझाऊंगा, समझ आएगा। 3री बार पूछो, मार दूंगा। पर जाते जाते बोलना सर डांट डाउट तो बता के जाओ, पर डाउट्स अपने सारे क्लियर करवा के जाना। ठीक है, अब सर मेरे को बताओ, आपने लॉ और एक्ट में फर्क बता दिया। अब सर मैं आपका कंपनीज एक्ट शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे। मेरे को बताओ सर, एक दिन ये कंपनीज एक्ट बनता कैसे? आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा था ना बचपन में? कंपनीज एक्ट बनता कैसे? मतलब एक दिन राहुल गांधी आए और बोले कि भैया बेटा कंपनीज को ना, कंपनीज के लिए एक्ट बना देते हैं, और बन गया क्या? ये जो कंपनीज एक्ट है ये बनता कैसे है? एनीवन हाउ अ लॉ कम्स इनटू पिक्चर। एंड गाइस 1 सेकंड, पढ़ तो लेंगे अपन, इतना बड़ा क्लास है। आप ना अपना वो मोटिवेशन रखो कि मेरे को अगर कोई चीज आती है थोड़ी सी हिम्मत करके मैं क्लास में बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हंसेंगे लोग। कौन हंस रहे हैं तुम पे? वो जो सीए इंटर क्लियर करके बैठे हैं। नहीं ना, वही है ना जो सीए इंटर का एग्जाम देंगे। तुम श्राप लगा देना कोई तुम पे हंसेगा तो पर तुम लोग क्लास में थोड़ी सी हिम्मत करो। तुम लोग जितना क्लास में पार्टिसिपेट करोगे ना उतना तुम लोगों का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बढ़ेगा क्लास में। ठीक है, और एक ही बच्चा हाथ उठा रहे, बोलो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, भारी बोला आपने। दूसरा, ये तुम बीकॉम वाला आंसर दे रहे हो। ये जो इन्होंने बोला लॉ कैसे बनेगा, बोले पहले प्रॉब्लम फाइंड करेंगे फिर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। बेटा ये सब आंसर तुमको बीकॉम में लिखना है, जहां कुछ नहीं आता पर फिर भी कुछ कहना है तो वो बीकॉम का पेपर है। यहां तुमको टू द पॉइंट अटैक करना पड़ेगा। मैडम ने तो भी कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बोला, ये मैडम तो बोले प्रॉब्लम फाइंड करेंगे फिर सोल्यूशन निकालेंगे। सुनो सर, सही बोला इन्होंने पर कॉन्सेप्ट यही है, पर लिखना कुछ और है। पहले सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। सर कंपनीज एक्ट बनाना था तो किसी ने तो सोचा कि कंपनीज को हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सर कंपनीज, आपको एक कोई अंदाजा है इंडिया में कितने कंपनीज हैं? कोई अंदाजा? एक तुक्का मारो, 1 लाख, 2 लाख, कुछ तुक्का। सर आपके इंडिया में आज के डेट में कम से कम नहीं तो भी 15 लाख से 18 लाख कंपनीज है। तुम समझ रहे हो, 15 से 18 लाख कंपनीज है। तो इतने सारे कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ तो बनाना ही था सर। तो लॉ कंपनीज एक्ट जो है ना, कब बना तुम लोग बता सकते हो? कंपनीज एक्ट कब बना? कोई है जो 2013 बोल रहे? नहीं सर, कंपनीज एक्ट 2013 तो नया आया, उसके पहले एक और लॉ था जो था कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट कब बना? 1913 में, क्योंकि 1956 के पहले भी एक कंपनी लॉ था। तुम तो अभी आए हो ना, मैं तो पहले से आ गया था ना तो मेरे को पता था। 1956 के पहले भी था एक एक्ट, था कंपनीज एक्ट 1913। वो 1913 नया होकर के 1956 बना, वो नया होकर के 2013 बना। तो कंपनीज एक्ट कब बन गया था? 1913 में ही बन गया था। पर सर ये लॉ बनाता कौन है? तो हमने कहा चलो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लॉ बनाते हैं मोदी जी। सही बोला कि गलत बोला सर? पावर सर लॉ बनाते हैं मोदी जी। मान लो मोदी जी को लगा यार अपने को ना अभी कंपनीज को रेगुलेट करना है, जैसे कि आपको पता होगा पिछले जब से मोदी जी सरकार आई है तब से धड़ 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 लॉ बढ़ता जा रहा है, लॉ बनते जा रहे हैं। एक लॉ आया है, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, हल्के में लेना, ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना। एक लॉ आया था इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, अभी ताजा ताजा आया है, बहुत धो रहा है वो कंपनीज को। वो लॉ किसने बनाया? मोदी जी ने। सर एक लॉ आया रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे कि पहले अगर तुमने कभी, तुम्हारे पापा ने जमीन खरीदी होगी तो वो बताते होंगे कि 1 करोड़ की जमीन थी, 50 लाख रुपए कैश में दिए, 50 लाख रुपए वाइट में दिया। अभी के डेट में ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी क्या है, आप लोग अगर 1 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो तो आपको 1 करोड़ पूरा वाइट में ही पे करना पड़ता है। क्यों होता है? क्योंकि रियल एस्टेट पे एक एक्ट आ गया। किसने लाया? मोदी जी ने। तो सर ये मोदी जी को एक्ट लाने का पावर दे कौन रहे? अमित शाह बोले, अबे अमित शाह पावर दे, तुम यार अच्छी बात करते हो। सर सुनो, मोदी जी को एक्ट बनाने का पावर दे कौन रहा है? सर आपको पता है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बोले सर जो भी है सिलेबस में मत डालना, जो कर लो सिलेबस। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? BR अंबेडकर जी ने लिखा है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा। कब पास हुआ था सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 15 अगस्त को। सर 15 अगस्त को ही तो सब हुआ था। सर 26 जनवरी को आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्चुअली अडॉप्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था BR अंबेडकर जी ने। उसमें उन्होंने लिखा कि देखो हम ना जितने भी काम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। उसको हमने 3 लिस्ट बना दिया। पहला लिस्ट जो हम जिसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। दूसरा लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरा लिस्ट स्टेट लिस्ट। सर ये आपके स्क्रीन पे ना एक वेन डायग्राम है। क्या है वेन डायग्राम? जो तुमने बचपन में पढ़ा है। यूनियन लिस्ट मतलब क्या होता है? वो लिस्ट में जो भी चीजें लिखी है उस पे कौन एक्ट बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? मोदी जी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन? मोदी जी। मतलब पूरे इंडिया की जो सरकार है। जो स्टेट लिस्ट है इस तरफ, स्टेट लिस्ट पे जो नाम लिखे वो कौन बनाएगा उस पर एक्ट? उस पर बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट बनाएगा। बाजू वाली क्लास में बेटा, बाजू वाली क्लास में। और बीच में जो लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट, बीच में क्या लिखा है? कॉन्करेंट लिस्ट। उस पे कौन बनाएगा? उस पे इन्होंने बोला दोनों मिल करके बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं सर, बड़ी बड़ी बातें देखो, बड़ी बड़ी बातें जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स। ये वो वाला अफेयर नहीं है, ये फॉरेन अफेयर मतलब क्या? बाहर की जो, बाहर से जो डीलिंग होता है। और कम्युनिकेशन, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं इस पे अगर एक्ट बनाना है तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा सर आप देखो पुलिस के रिलेटेड हो गया, ट्रेड से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। तुम्हारे लिए मैंने अलग से ऐड किया है 2 तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए, एल्कोहल और लिकर से रिलेटेड। कोई पेरेंट्स नहीं है ना भाई? कोई देख रहे तो सॉरी, बस ये लिस्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट ओपियम। ओपियम मतलब अफीम बोले। ओपीएम और अदर नार्कोटिक ड्रग्स जो है ये सबसे रिलेटेड एक्ट कौन बनाता है? स्टेट। आपको एक चीज आपने कभी सुना होगा कि अल्कोहल जो होता है उस पर टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। शर्म है? सुना है तेरे को? ये नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? बोले ये पता है कि दारू पे टैक्स जो है सर स्टेट गवर्नमेंट लेके जाता है। सुनो सर, अल्कोहल पे जो भी लॉ बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। तो किसने बोला स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि बेटा तुम जाकर के अल्कोहल से रिलेटेड प्रोविजन बना लेना। अब सर कुछ ऐसी चीजें होती है जिसपे सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग नहीं कर सकते, उनको साथ में मिल करके पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और उसमें आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या लिखा है? एजुकेशन, फॉरेस्ट। अब एजुकेशन से रिलेटेड तुम अलग अलग कैसे लॉ बनाओगे यार? दोनों को मिल करके बनाना पड़ेगा। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, शादी से रिलेटेड लॉ भी कौन बनाते हैं? मिलके बनाते हैं। तो सर पावर कहां से आ रहा है? पावर सर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। किससे? अरे बोलो कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 248। क्या आर्टिकल है? अरे बोलो 248। वहां से पावर आ रहा है। क्या पावर आ रहा है? कि लॉ कौन बनाएगा? जो गवर्नमेंट है वो बनाएगा। अब तुम मेरे को बताओ, कंपनीज एक्ट बनाना है तो कौन सा गवर्नमेंट बनाएगा सर? सेंट्रल, स्टेट की दोनों मिलके? क्या लगता है कौन बनाएगा सर? सर कंपनी का स्टेट से क्या लेना देना? कंपनी का स्टेट से क्या लेना देना? लॉ ने वो पावर डाला यूनियन लिस्ट में। कहां पे? यूनियन लिस्ट में। तो पूरा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी। अच्छा मोदी जी ने बोला कंपनी लॉ बनाना है, पावर उनको कहां से मिल गया? BR अंबेडकर जी ने लिख दिया था। अब अगर वो कंपनी लॉ बनाना चाहते हैं तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी खुद बैठ के बनाएंगे? नहीं सर। आपको पता है मोदी जी के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ आपने क्या बोला था लॉ एंड जस्टिस। इस तरह के बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। तो सर मोदी जी उठा के फोन लगाएंगे, तुम बताओ किसको फोन लगाएंगे? उन्होंने बोला लॉ एंड जस्टिस, पर मोदी जी फोन लगाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एमसीए को फोन लगाया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फोन लगाया जाएगा। क्यों सर? उनके नाम में है ना कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब तुम कॉर्पोरेट लॉ है, तुमने लॉ देख के बोल दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी तो है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कौन है सर? हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? एनीवन बोलना। सर आपने नाम सुना है निर्मला सीतारमण जी का? हाँ, तुमको पता है तुम लोग ना मेरे सगे छोटे भाई की उम्र के हो। सगा भाई है मेरा, वो भी फाउंडेशन कर रहे हैं, वो भी ऐसे। उसको मैं पूछ लू ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, तो वो नहीं बता पाता निर्मला सीतारमण जी। तो मेरे को भी तुमसे भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ही थी। और तुमको पता था कि नहीं था? था नहीं था ना, नहीं था ना। चलो सर, तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। अब सर पहले अरुण जेटली हुआ करते थे, आपने अगर नाम सुना होगा तो पहले अरुण जेटली हुआ करते थे। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, डेथ होने की वजह से निर्मला सीतारमण जी जो है वो अभी दो जगह की मिनिस्ट्री है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक चीज तो पता होगा कि कुछ दिन पहले कुछ तो भी आया सीए लोगों के लिए, आया कि नहीं आया? कुछ तो भी आया जो हमको सीए के नाते हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको समझ आ रहा होगा, पर उनको ये नहीं पता कि भाई भगवान की दया से तो फाउंडेशन क्लियर हुआ है, टैक्स अभी तक शुरू भी नहीं किया है। सर उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल, फाइनेंस बजट जो आया हमारा, वो बजट किसने प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमण जी ने, इन द कैपेसिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे इसलिए वो वहां पे खड़े थे, साथ में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। तो मोदी जी कॉल करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि निर्मला मैडम हमको क्या बनाना है, हमको एक कंपनी लॉ बनाना है। अब निर्मला मैडम खुद बैठ के लिखेंगे क्या? वो क्या सर, ये प्रैक्टिकली होता है, ये सब मतलब फोन लगाते हैं वो मेरे को नहीं पता, पर इंस्ट्रक्शन आते हैं नीचे। ठीक है, अब निर्मला मैडम क्या करेंगे? वो अपनी एक कमिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कमिटी। कमिटी में मान लो 4-5 एक्सपर्ट उठा लिए मैंने, और मैंने बोला सुनो ये पुराना वाला लॉ है 1956, एक ताजा 213 बनाओ, एक ताजा 2013 बनाओ। और वो कमिटी क्या करेगी जिसमें लॉ के सारे एक्सपर्ट्स होंगे, वो बैठ करके पूरा एक ड्राफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्यों सर? क्योंकि अभी उन्होंने अपने मन का लिखा है, किसी ने अप्रूव नहीं किया है। ये जो ड्राफ्ट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? बिल। बोलो, अपने मुंह से बोलो ना थोड़ा सा, क्या कहते हैं? बिल। अब सर ये बिल जो है किसने बनाया? कमिटी ने बनाया। हम लोगों ने किसने अप्रूव किया? क्या किसी ने अप्रूव किया? क्या नहीं। अब इसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा फ्रॉम द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कौन अप्रूव करेगा सर? हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कौन होते हैं सर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? विधानसभा और विधान परिषद। तुम मेरे को सिखाओगे? हाँ ठीक है, फिर सुनो सर, आपके दो हाउसेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। तो आप क्या करोगे? उसको सबसे पहले लोकसभा के पास लेके जाओगे, लोकसभा में बोलोगे देखो बिल है, डन करें, बोलेगा डन करो। फिर आप राज्यसभा के पास लेके जाओगे, बोलोगे डन करें, वो बोलेगा डन करो। उसके बाद क्या होगा सर? जब दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं, फिर आप लेके जाओगे उसको इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान के पास। अडानी मत बोलना, था वो पहले। तो आप लेके जाओगे इंडिया में सबसे पावरफुल इंसान के पास। कौन है वो सर? मेरे को बताओ, प्रेसिडेंट बड़ा कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा? सर इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर को दिखते ज्यादा हैं, पर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट बोले तो द्रौपदी मुर्मू, मूडी मिक्सचर क्या? मुर्मू सर, द्रौपदी मुर्मू, ये आपके क्या है? प्रेसिडेंट। तो आप क्या करोगे? पहले आपने बिल बनाया, बिल को लेके गए लोकसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा में अप्रूव होने के बाद आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे और बोलोगे मैडम सुनो ये बिल जो है दोनों घर ने अप्रूव कर दिया, दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया, कृपया आप इस पे अपना सिग्नेचर दे दो। जब प्रेसिडेंट साहिबा उसको अप्रूव कर देती है, तब वो बिल जो है क्या बन जाता है? एक्ट। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, समझ रहे हो ना? कहां था ये रेफरेंस? तो मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, बिल अब क्या बन गया? एक्ट। पर सर ये सब तो वो लोग बंद कमरे में कर रहे हैं। अबे एक्ट पास करने का काम ये सब तो बंद कमरे में हो रहा है, हमको कैसे पता क्या चल रहा है? तो सर वो जो एक्ट बना है ना, अब वो पब्लिक के लिए छापा जाएगा। कहां पे? एक वेबसाइट में जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेट। जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट एक जगह है जहां पे हर गवर्नमेंट अपना रेस्पेक्टिव लॉ जो है उसको वहां पे जाकर के छापता है। जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में छप गया ना, उस दिन से वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर एक बार मेरे को बताओ, लॉ कैसे बनते हैं? बिल, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सर मेरे को एक बात बताओ, वो बिल को लोकसभा ले जाने के पहले मैं राज्यसभा में ले जाऊं क्या? ऐसा करूं क्या? पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर एक्ट, ऐसा कर लूं क्या? कोई है जो यस बोलना चाहता है? एनीवन हु वांट्स टू से यस? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। सर मैं एक बिल को पहले राज्यसभा फिर लोकसभा फिर भी ले जा सकता हूं, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है द बिल हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारे को बचपन में सिविक्स में पहले लोकसभा सिखाया गया और बाद में राज्यसभा सिखाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा बड़ा हो गया। आपको पता है लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो राज्यसभा बड़ा है तो आप बड़े से भी पहले पूछ सकते हो। पहले राज्यसभा से पूछोगे, बाद में लोकसभा से पूछोगे। जैसे कि सर अभी निर्मला सीतारमण ने जो 1 फरवरी को बजट बताया, उसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल। क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल। उसको क्या मैं पहले राज्यसभा के पास ले जा सकता हूं? अभी वो बिल को एक्ट बनाना पड़ेगा ना। अरे मैडम, बिल को एक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो बिल को एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या उसको मैं राज्यसभा में ले जा सकता हूं? अरे बोलो, द आंसर इज नो। सर द आंसर इज नो। मतलब हम क्या चले जाएं क्या सर? आप चाहते ही नहीं हो क्या हम समझे? सुनो, एक बिल जो होता है ना, एक्ट में बनने के लिए 2 हाउसेस से अप्रूव होना है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तुम जिससे पहले करवाना है करवा लो, पर इसका एक एक्सेप्शन है कि फाइनेंस बिल जो होता है ना, वो इस तरीके से नहीं, वो सबसे पहले कहां, वो एक ही जगह से अप्रूव होता है, वो होता है लोकसभा। लोकसभा से अप्रूव हो गया तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो फाइनेंस बिल में तुम उसको पहले राज्यसभा की तरफ नहीं ले जा सकते। क्या तुम मेरी बात समझे? अरे बोलो समझे क्या? तो बेसिक लॉ क्या है? एनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास ले जाओ और फिर एक्ट बना लो। अब नोट्स में लिखो, हेडिंग डालो एनएक्टमेंट ऑफ लॉ। हेडिंग डालो एनएक्टमेंट ऑफ लॉ। लिखो हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर। हाउ डज एन एक्ट, स्क्रीन पे देख के मत लिखो, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखो। हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर। सर मेरे को आपकी राइटिंग स्पीड फुल स्पीड चाहिए, सो के मत लिखना और बाजू वाले को परेशान मत करना। हाउ डज एन एक्ट कम इनटू पिक्चर? पॉइंट नंबर 1, द बिल इज ड्राफ्टेड, द बिल इज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी, द बिल इज ड्राफ्टेड by a committee formed under the concerned ministry, formed under the concerned ministry, count kar le ek bar, formed under the concerned ministry. Dusra, the bill is then approved, the bill is then approved. Beta कल से प्लीज फेयर नोट्स ले आओ, है ना? ये सब टाइम पास। तुम, मैं आई एम स्ट्रिक्टली वेरी मच अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमो, ठीक है? सी, आई बिलीव दैट यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू जज समवन इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 days। कोई इंसान शुरू के 2 दिन में कितना अच्छा और बाद में कितना गंदा, और कोई गंदा नहीं पढ़ाता यार, बस ट्यूनिंग बैठने की बात होती है। कोई टीचर गंदा नहीं पढ़ाता है। तुम लोग जहाँ पे ये सब, जो ये मैडम अभी एक रफ नोट्स लेकर के आए हैं, वो मैडम बाद में कब तो भी इसको फेयर करेंगे, कितने दिन तो भी मैडम डेमो करेंगे, उतने में एक बच्चा आधा क्लास खत्म कर चुका होगा। तो ये सब चीजें मत करो। जो भी क्लास में आज बहुत कर लो, कल से तुमको जो भी क्लास में बैठने का है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ बैठो, जिधर भी बैठने का बैठ करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? बट फेयर नोट्स बनाना शुरू कर दो सारे सब्जेक्ट का। अभी अकाउंट्स का भी डेमो बैठोगे ना, तुम एक फेयर नोट्स ले आओ। तुम वो डेमो बैठ रहे हो, जो भी बैठ रहे हो, ये सोच के बैठो यही मेरी आगे की क्लास है, और फेयर नोट्स में लिखना शुरू कर दो, ताकि आपको बाद में डुप्लीकेट काम ना हो। मेरे को पता है जितने लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, तुम्हारे इसके बाद घर के भी 100 काम है, तुम्हारे को घर भी सेट करना है, मेरे को पता है। तो क्लास कम से कम अच्छे से यूटिलाइज कर लो, ठीक है? लिखो, क्या बोला मैंने बेटा? लास्ट पॉइंट, 1 सेकेंड, आप बोलो। The bill is then approved by both the houses of parliament. To do that. ठीक है, ठीक है. The bill is then approved by both the houses of parliament. Once it is up, third point लिखना फिर. Once approved, it is then sent to. Once approved, it is then sent to the president. It once approved, it is then sent to the president for his assent. ASSENT लिखना. एसेंट का स्पेलिंग क्या? ASSENT. एसेंट बोले तो कंसेंट, अप्रूवल. फोर्थ पॉइंट डालो. Once the president approves it, it is then published. It is then published in the official gazette. Once approved, it is then published in the official gazette. Official gazette क्या होता है सर? बोलो, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? देखो, मेरे को पता है मेरा इंटरनेट का कनेक्शन अभी नहीं हो रखा है, तो इसलिए मैंने पहले से लोड करके लाया था, पर ये ऑफिशियल गैजेट का वेबसाइट है. अगर आप गूगल में जाके सिर्फ ऑफिशियल गैजेट मार लो, और गूगल तो अपना भाई है, तुम गलत स्पेलिंग भी मारोगे तो वो समझता है, वो अपने को जज नहीं करता है, ठीक है? तो वहां पे अगर आप जाओगे ना, तो आप देखो इस तरह का नोटिफिकेशन छपता है. नोटिफिकेशन में क्या है? मिनिस्ट्री, सब्जेक्ट, पब्लिश डेट, गैजेट आईडी. मिनिस्ट्री में क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली. तो जैसे यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आएगा और वो अपना नोटिफिकेशन डालेगा और काम हो गया, और आपका एक्ट जो है अभी बन गया और सारे पब्लिक को भी पता चल गया. आपको एक बात बताऊं, आपका जो इंस्टीट्यूट नया वाला कोर्स ला रहा था, तो नए वाले कोर्स के लिए ना उनको नया वाला एक्ट लाना पड़ रहा था. क्या लाना पड़ रहा था? एक्ट लाना पड़ रहा था. तो उन्होंने भी एक बिल बनाया, बिल को पास करवाएंगे ये लोग, और उसके बाद एक्ट बनने के बाद यहाँ पे छपेगा. जिस दिन यहाँ छपेगा ना, तब समझ जाना नया कोर्स आ गया. अभी छपा क्या? नहीं ना, नया कोर्स आने वाला अभी तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से एक्ट बनता है. उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखो, द पावर टू मेक लॉ. Is given by the Constitution of India. The power to make law is given by the Constitution of India. Next line लिखो, Constitution of India has three lists. Constitution of India has three lists. कोलन डाल के नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ए यूनियन लिस्ट, और जो बच्चे सुनते हैं वो मेरे से आगे भी बढ़ सकते हैं. आपको पता है बी और सी क्या लिखवाऊंगा, लिख लो. बी कॉन्करेंट लिस्ट और सी स्टेट लिस्ट. फिर नीचे 3 पॉइंट लिखो. नंबर 1, power to make laws related to matters stated in the union list. आप ना सुनो, power to make laws stated in the के बाद कोलन डालो, नीचे लिखो पॉइंट 1, यूनियन लिस्ट डैश lies with the central government. Number 2, state list dash lies with the state government. Number 3, concurrent list. Concurrent list lies with both the central government and state government. Concurrent list lies with both the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, समझ आई सर इतनी बात? अरे बोलो सर, आप क्लास शुरू करते हैं. क्या बात कर रहे हो सर, अभी तक क्लास नहीं जाए क्या हम? सुनो सर, अब हम लोग प्रॉपर आप लोगों का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपका कंपनीज एक्ट. अभी तक आपने बहुत बेसिक समझ लिया, इससे ज्यादा आपको समझने की बेसिक जरूरत नहीं है. ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई आपके आईसीआई मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं है. अब हम पढ़ाई करेंगे पूरा एग्जाम के तरफ से, जो भी चीज हमारे आईसीआई मॉड्यूल में लिखी है. अब सर आपको मैंने बताया आपका कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ. कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या है? कंपनीज एक्ट. तो अपने को कंपनीज एक्ट पढ़ना है, सेक्शन 1 से लेकर के 148 तक. जो बच्चे रजिस्टर करवा रखे हैं, सुन लो, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन हूं. क्या हूं मैं? आयुर्वेद. मेरे को काम करने में थोड़ा समय लगता है, मेरा असर 2 या 3 दिन में नहीं दिखता है. तो कोई भी कुछ भी बोले तुमको, घबराने का नहीं. बोले मेरे को सेक्शन नंबर आता है, बोले रुको जरा सब्र करो, मेरे को अंदर का कंटेंट भी आएगा. तो घबराने का नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन है अपन. तो मेरी बात सुनो, हम लोग कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे. कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 148 तक जाता है. सर आप लोगों को पता है कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? आपने फाउंडेशन में पढ़ा, किसी ने आपको बताया कंपनीज एक्ट का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से कंपनीज एक्ट बना हुआ है? सर कंपनीज एक्ट ना चैप्टर में डिवाइडेड है. आप सोचो इतना बड़ा लॉ लिखना था, कंपनीज को गवर्न करना था, तुम क्या एक साथ एक ही सुर में पूरा लिख देते थे क्या? नहीं ना, तुमने उसको डिवाइड किया अलग अलग चैप्टर्स में. कैसा अलग अलग चैप्टर? पहला चैप्टर सर बेसिक्स, दूसरे चैप्टर में बताया कंपनी बनेगी कैसे, तीसरे चैप्टर में बताया कंपनी पैसे किधर से लाएगी, चौथे चैप्टर में बताया क्या शेयर कैपिटल कैसे इशू करेगी. इस तरीके से पूरे चैप्टर में बटा हुआ है. तो कितने चैप्टर्स है सर कंपनीज एक्ट के, कोई बता सकता है? 29 चैप्टर्स है, 49 नहीं, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. और कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है सर? 470 सेक्शंस में डिवाइडेड है. अब सर चैप्टर खत्म हो जाता है, जैसे तुम्हारे पास मेरी बुक जब आएगी तो तुम बुक देखोगे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद ना उसमें कुछ और एडिशनल अटैचमेंट्स है, जो एडिशनल अटैचमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ही कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर्स खत्म हो जाने के बाद 7 अलग अटैचमेंट्स है, जिसको हम कहते हैं 7 शेड्यूल्स. क्या कहते हैं? शेड्यूल. आपको उसमें से एक शेड्यूल 3 आपने थोड़ा हल्का हल्का कभी सुना होगा. कभी सुना है शेड्यूल 3 क्या होता है? सर जो इतने समय से आप जो कॉमर्स वाले हो, जो 11th 12th में बैलेंस शीट पीएनएल बना रहे हो, फाउंडेशन में जो तुमने इतना मैच किया अपना बैलेंस शीट को, ये सारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट किधर से आ रहा है? अबे ये बोल कौन रहा है कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है? ये हमारा कंपनीज एक्ट बोल रहा है. तो कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है ना, इट इज जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कैसे बनाते हैं वो कौन बता रहा है? आपका शेड्यूल 3. तो कितने शेड्यूल है सर कंपनीज एक्ट में? 7 शेड्यूल है. अगर मैं आपको दिखाऊं सर, एक ज्ञान ले लो थोड़ा सा, मेरी बात सुनो. आपको पता है लॉ में अमेंडमेंट होता है, जिसको तुम हिंदी में दर्द कहते हो, लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं. अब सर आप लोगों को जिंदगी में आगे चल के कभी भी अमेंडमेंट का टेंशन हो ना, अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके वेबसाइट में पूरा कंपनीज एक्ट का बुक डाला हुआ है पूरा, और वो उसको रोज अमेंड करते हैं. तो अगर आप देखोगे तो ये एमसीए की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की. शिट, थोड़े से एकले रह गया, जाने तो तुम्हारे नसीब में नहीं, वो गायब हो गया. सर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट था, वहां पे आपको मैं लिंक दूंगा. लिंक तो क्या, गूगल में डालो ई बुक एमसीए, तो आपको ना पूरा कंपनीज एक्ट निकल करके आ जाएगा. उसमें जो भी सेक्शन आप खोलोगे ना वो ताजा ताजा अमेंडेड रहेगा पूरा. तो आपको कभी भी लगे यार इसमें तो अमेंडमेंट आया है कि नहीं आया है, कंफ्यूजन, ई बुक एमसीए में जाने का और वहां पे वो रेस्पेक्टिव सेक्शन खोलने का, वो सेक्शन का बेयर एक्ट आएगा, उधर वो लाइन चेक करने का, आपको पता चल जाएगा अमेंडमेंट कब हुआ था, कहां हुआ था, तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है. अब सर मैं आपको वो वेबसाइट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैं आपको दिखा था कैसे 29 चैप्टर्स और कैसे शेड्यूल है. अब सर एक एक चैप्टर सेक्शंस में बटे हुए हैं, 470 सेक्शंस को आपने 29 चैप्टर्स में बांटा. अब सर आप समझो आपका जो चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रिलिमिनरी. क्या नाम है उसका? प्रिलिमिनरी. तो आप अभी अपने जहां पे भी लिखे उसके नीचे हेडिंग डालो और वहां पे लिखो चैप्टर 1. हेडिंग डालो सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट. अगर वो पेज छोड़ के इधर लिखना चाहते हो तो इधर लिख लो. हेडिंग डालो कंपनीज एक्ट, फिर नीचे डालो चैप्टर 1, फिर नीचे डालो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी. सर अब आपके प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शन नंबर्स होंगे, प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शंस होंगे, कितने सेक्शंस है सर प्रिलिमिनरी के अंदर? कोई भी जज गेस कर सकता है, गेस कर सकता है कोई? सर आपके प्रिलिमिनरी के अंदर दो सेक्शन है, एक तो सेक्शन 1 और बोले सेक्शन 2, बोले बस इतने ही, शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। रुको जरा सबर करो, ऊपर ऊपर से बच्चों को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। अब सर मैं आपको बताऊं, कोई भी एक्ट बनता है ना, कोई भी एक्ट बनता है तो ना वो एक्ट में सबसे पहले ऊपर एक चीज लिखी रहती है जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल। सुना है आपने कभी ये? अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, प्रियम्बल, प्रियम्बल, जो भी बोल लो, स्पेलिंग यही होना चाहिए। ठीक है सर, प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको, अगर हम जाके कंपनीज एक्ट को बोलेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 जरा अपने आपको एक लाइन में समझा, तो पहले तो गाली मारेगा, बोलेगा हम गधे हैं क्या फिर 800 पेज का लिखे, हाँ एक लाइन में समझा। पर फिर भी बोले ट्राई करना, एक लाइन में बताना। तो कंपनीज एक्ट अपने आपको एक लाइन में जो बताएगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको उसको क्या कहते हो आप, प्रियम्बल। तो आप लिखो सबसे पहले प्रियम्बल। कंपनीज एक्ट का प्रियम्बल क्या है सर? सर कंपनीज एक्ट क्यों बना था, कोई गेस कर सकता है? कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बना था, एक बार गेस करो क्यों बना था? कोई ये बोलना चाहता है क्या टू रेगुलेट द कंपनीज? क्या कोई ये बोलना चाहता है टू रेगुलेट द कंपनीज? पर सर रेगुलेट करने के लिए तो कंपनीज एक्ट 1956 और 1913 भी बना था ना। 2013 क्यों बना? 2013 इसलिए बना था क्योंकि कंपनी के जो लॉज थे वो बहुत बिखर गए थे। थोड़ा सा कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा है, थोड़ा सा कहीं और लिखा है, थोड़ा सा कहीं और लिखा है। तो ये जो एक्ट बना इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना और उनको अपडेट करना, है कि नहीं? 2013 क्यों बना? उसको अपडेट करने के लिए। तो 2013 के प्रीएम्बल में लिखा है, लिखो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, to consolidate and amend the laws related to companies। मैं लिख के दूं काय नोट्स? तो लिख लिया, क्या स्पीड है भाई, रजनीकांत। ठीक है सर, क्या लिखा आपने? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटेड टू द कंपनीज। ये क्या हो गया सर? प्रीएम्बल। ये क्या हो गया? वन लाइनर। अब सर मेरे को एक बात बताओ, आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी बात बताओ। कंपनीज एक्ट मैंने बोला कितने कंपनीज है अपने इंडिया में? 15 से 18 लाख कंपनीज है। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया कंपनीज एक्ट 2013 और बोल दिया जा आज से तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल। पर सर अपने इंडिया में इतने अच्छे लोग हैं क्या कि आपने बनाया और बोला मान ले तो वो मान लेंगे? अबे यहाँ जो बच्चे हैं इतने से, इनको मैं जो चीज बोल रहा हूं आधी बात वो नहीं मानेंगे। तुम सोचो 18 लाख कंपनीज को कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि कंट्रोल तो करेगा सर, अभी आपने अगर लॉ बनाया है तो आपको स्ट्रिक्ट एनफोर्स भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि हर कोई लॉ को माने। तो एक बार प्रैक्टिकली सोचो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कैसे ये? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर बहुत दिमाग लगाया। क्या किया उन्होंने? सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे उन्होंने क्या किया, इंडिया को 7 रीजन्स में बांट दिया। सर इंडिया कितने हिस्सों में बटा है? हमको तो 4 पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन्होंने बीच के और नॉर्थ ईस्ट ऐसा चीज किया और इन्होंने इंडिया को 7 रीजन्स में बांट दिया। किसमें बांट दिया? रीजन्स में। कितने रीजन्स? अब सर हर रीजन में इन्होंने एक एक डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। वो डायरेक्टर का नाम क्या है? रीजनल डायरेक्टर। क्या कहते हैं उसको? रीजनल डायरेक्टर। 7 लोग हो गए। अब सर इन्होंने फर्दर क्या किया, हर स्टेट में एक जने को अपॉइंट कर दिया जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है ये जाके रीजनल डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। 7 रीजनल डायरेक्टर वो जाकर के मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते थे। तो तुम समझो मिनिस्ट्री ने किस तरीके से हर स्टेट को कंट्रोल कर लिया। मिनिस्ट्री के नीचे क्या आ गए? 7 रीजनल डायरेक्टर्स। 7 रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आज के डेट में 25, कितने? 25, अरे बोलो 25 क्या है? आरओसीज। क्या बोलते हैं? आरओसीज मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नाम तो सुना ही होगा। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या है? ये वो स्टेट में एक रजिस्ट्रार है जहां पे आप जाकर के कंपनी लॉ से रिलेटेड सारा कंप्लायंस करवाते हो। तो सर आप अपने नोट्स में लिखो, आप एक बस हेडिंग लिखो हायरार्की। क्या लिखोगे? हायरार्की। स्पेलिंग HEI RARCHY, HEI RARCHY, हायरार्की। सर हायरार्की में लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके नीचे कितने रीजनल डायरेक्टर्स आ गए, 7 रीजनल डायरेक्टर्स आ गए, उसके नीचे 25 क्या आ जाते हैं, 25 ROCs आ जाते हैं। एक मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोगे क्या एक चीज पे, ये जो ROC होता है, ROC ये कोई ऑफिस होती है, ये कोई इंडिविजुअल होता है, कोई सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप होता है, ये क्या होता है? आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये क्या होता है? कोई ऑफिस होती होगी? सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक बंदा होता है। क्या होता है? एक बंदा, एक इंडिविजुअल। मतलब आप भी अगर चाहो तो जैसे आप सीए बनते हो वैसे आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी बन सकते हो। मतलब वो इंसान है जो रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, वो अपने नीचे बहुत सारी टीम बैठाएगा, क्योंकि अगर मेरे को महाराष्ट्र का आरओसी बनाया जा रहा है, सर आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंपनीज है, तो अगर मेरे को महाराष्ट्र का आरओसी बनाया जा रहा है तो क्या मैं अकेले मैनेज कर लूंगा क्या पूरा? नहीं, मेरे को अपने नीचे पूरी टीम बैठानी पड़ेगी, पर मैं आरओसी बनूंगा। सर एक बात बताओ, हर स्टेट का एक आरओसी होता है ना? हर स्टेट, क्या एक स्टेट में 2 आरओसी हो सकते हैं? क्या एक स्टेट में 2 आरओसी हो सकते हैं? हाँ सर, पूरे इंडिया में 2 ऐसे स्टेट है जहां पे 1 से ज्यादा आरओसी है। पहला हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक मुंबई में है, दूसरा पुणे में है। कहां पे है? पुणे में। और दूसरा स्टेट ऐसा है कौन सा बताओ? अरे बोलो किधर? मेरे को क्या पता सर, मैं तो पढ़ने आया हूं, पढ़ाने थोड़ी आया हूं। सर दूसरा स्टेट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी 2 अलग अलग आरओसी है। क्यों? क्योंकि जहां पे इतने ज्यादा कंपनीज होते हैं ना, वहां पे एक आरओसी से मैनेज नहीं होता। अब तुम समझो, अगर मैं पुणे में हूं, इसमें अगर क्या, मैं तो हूं ही पुणे में, मेरे को अगर पुणे में एक कंपनी खोलनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं लेकर के पुणे के आरओसी के पास जाऊंगा पेपर, और मैं बोलूंगा भाई एक कंपनी खोल देना। पर अगर मेरे को मुंबई में कंपनी खोलनी है तो मैं किधर जाऊंगा? मुंबई के आरओसी वाले। अब सर महाराष्ट्र जो है वो पूरा इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि पुणे वाले आरओसी के अंडर कौन आएगा और मुंबई वाले आरओसी के अंडर कौन आएगा। पर ये रजिस्ट्रार का काम क्या है सर? रजिस्ट्रार का काम है कि उसके एरिया में जितने भी कंपनीज हैं उनके ऊपर नजर रखना। कल को अगर कुछ भी गलत होता है तो रजिस्ट्रार जाके किसको बोलेगा? अरे बोलो, रीजनल डायरेक्टर को। वो जाके किसको बोलेगा? बोलना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। तो इस तरीके से बातें ऊपर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से इतने सारे कंपनीज रेगुलेट हो जाते हैं। अब सर शुरू करते हैं सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 आपके कंपनीज एक्ट का। क्या है सर सेक्शन नंबर 1? कोई बता सकते हैं सर सेक्शन नंबर 1 प्लीज? उन्होंने बोला एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। सर आपका सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। लिखो हेडिंग, सेक्शन नंबर 1 हेडिंग डालो, सेक्शन नंबर 1 हेडिंग डालो। और लिखो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। सर जैसे आप लोगों का एक पूरा नाम होता है और घर में एक शॉर्ट नेम होता है ना, शॉर्ट नेम होता है ना घर में, एक चिंटू, पिंटू, छोटू, मोटू, ये सब नाम होते हैं। सर वैसे ही कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट को प्यार से क्या बुलाते हैं? सर इनके मम्मी पापा ने मेहनत नहीं की 2 नाम सोचने में, जो बाहर का नाम है वही इनके घर का नाम है। शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? द कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों सेक्शन 1 में 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? प्रेम से इस कंपनी को, इसको क्या बुलाते हैं? द कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा क्या है? पढ़ो, दूसरा क्या है? एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या सर? एक्सटेंट मतलब ये क्या पाकिस्तान में लगेगा, यूएस में लगेगा, यूके में लगेगा, इंडिया में लगेगा, पूरे वर्ल्ड में लगेगा, कहां लगेगा? सर ये एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर कि एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर? थैंक्स टू, अब अमित शाह तुम बोल सकते हो। सर पहले के जमाने में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग लिखा रहता था कि जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करना है नहीं करना है। आपको पता है पहले के जमाने में जम्मू कश्मीर का पूरा अलग से लॉ था, जम्मू कश्मीर को इंडिया के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे, वहां के लिए अलग से लॉज बनाए जाते थे। पर अब क्या हो गया है, अब जो जम्मू कश्मीर में जो लॉ है इंडिया वाला ही पूरा लगता है। तो जब आपने होल ऑफ इंडिया लिख दिया तो उसमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। तो पूरा का पूरा मतलब जितना अपना है, बाकी जितना उनके पास है वो थोड़ी मानेंगे, तो वो वाला आ जाता है थैंक्स टू अमित शाह। तो एक्सटेंड क्या होगा? एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तुम लिख रहे हो ना बेटा, लिख रहे हो ना? तीसरा सर कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब क्या? कमेंसमेंट मतलब ये शुरू कब से होगा? तो तुम तो बोलोगे 2013 से। अगर 2013 से शुरू नहीं होएगा तो क्या मतलब है? सर आपका कंपनीज एक्ट जो शुरू हो रहा है ना, वो शुरू हुआ फ्रॉम 30 अगस्त 2013। इस दिन क्यों सर? इस दिन क्या हुआ होगा? व्हाई दिस डे? क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन किया था। प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था बताओ? 29 अगस्त को साइन किया था प्रेसिडेंट ने। सर इस दिन क्या हुआ था? ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। सर अब मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको इसके अंदर और छोटी छोटी चीजें समझनी है कि जैसे पहले लिख लो पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, उस दिन से कमेंस हुआ 30 अगस्त 2000। अब सर आपको पता है कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 से लेकर के 470 तक है। इन्होंने एक साथ आकर के अचानक से तुम पे बॉम्ब नहीं फेंका कि आज से पूरे 470 सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं किया इन्होंने, पार्ट पार्ट में किया। क्या किया इन्होंने? पार्ट पार्ट में। पहले बोले अब से तेरे लिए सेक्शन 1 एप्लीकेबल, कुछ दिन बाद और बोले ये ले 20 सेक्शन और लगा ले, कुछ दिन बाद। तो ये लोग बारी बारी करके अप्लाई किए। ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया तो उस दिन से सारा अप्लाई हो जाएगा। तुम जब ऑफिशियल गैजेट में डालते हो ना तो उसके ऊपर तुम एक पेपर लिखते हो। पेपर में ये लिखते हो कि सेक्शन 1 कब से अप्लाई होगा, सेक्शन 2 कब से अप्लाई होगा, और तुम पूरा डेट बताते हो कि कब से एप्लीकेबल होगा। तो जो डेट लिखा है उस दिन से एप्लीकेबल होगा। तो कमेंसमेंट क्या होगा? हमने सिंपलिसिटिकली क्या समझा? द डेट ऑन व्हिच इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद सर एप्लीकेबिलिटी, कोई मेरे को बता सकता है कंपनीज एक्ट किसको अप्लाई करेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म्स, ऑप्शन बी प्रोप्राइटरशिप फर्म, ऑप्शन सी वो एक बच्ची ऐसा कर ली, बोले हमको तो एमसीक्यू में आदत है कुछ भी पूछे टिक, बोले जो भी आप पूछ लो सर खत्म कर दे, हम करेंगे जो आएगा वो बोल देंगे। सोच भी लो बेटा थोड़ा। पहला क्या है? पार्टनरशिप, दूसरा प्रोप्राइटरशिप, तीसरा इंडिविजुअल, चौथा कंपनीज। किसको एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट, कंपनी। तो सर यहां लिख दें एप्लीकेबिलिटीज टू कंपनीज, लिखो द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द प्रोविजन of Companies Act apply to point number 1। चुप हो जा मेरे भाई। नंबर 1, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट मतलब सर जो आपका कंपनीज एक्ट 1956 था। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी अभी बनी कि पहले से थी? पहले से थी, उसके वजह से ही शायद कंपनीज एक्ट आया होगा एक तरह से। तो सर अगर कंपनीज एक्ट 1956 में भी तो बहुत सारी कंपनीज बनी थी ना, ये रिलायंस, अडानी, टाटा, ये सब तो उस समय की कंपनीज है ना, तो उनको क्या ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा क्या? नहीं सर, सबको होगा। तो जो नए कंपनीज बन रहे हैं उनको भी, और जो पुराने कंपनीज बने हुए हैं उनको भी, सबको कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। दूसरा सर, दूसरा सर 3 कंपनीज हैं जो साथ साथ में चलते हैं। पहला जो फाउंडेशन वाले, तुमको कुछ नया नहीं, अगर तुमको ये सब पढ़ के लग रहा है हाँ यार क्या नया कॉन्सेप्ट है, तो फाउंडेशन का ना मेल लिख दूंगा मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट को, बोले पास हो गया ये देख लो, वापस रीचेकिंग करवा लो। बेटा फाउंडेशन के कंपनीज एक्ट के पहले दूसरे पेज में ये कॉन्सेप्ट थे। पहला किसको एप्लीकेबल है? कंपनीज को। दूसरा 3 तरह के कंपनीज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों साथ साथ में चलते हैं, तो उन तीनों को भी ये अप्लाई होगा। कौन तीनों को? पहला इंश्योरेंस, दूसरा बैंकिंग और तीसरा एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इन तीनों को भी अप्लाई होगा। पर सर आपको एक बात बताऊं, आपको पता है ये तीनों के अलग से खुद के भी एक एक्ट है। जैसे कि बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी को गवर्न करने के लिए एक एक्ट है बेटा, बैंकिंग, थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, खाना खाया अगले अगले इसके बाद भूख भी तो लगने दो थोड़ा सा, ऐसा बैठे बैठे भूख थोड़ी लगेगा। बोले हमको तो लग जाता है सर, आपको थोड़ी पता, थोड़ा बोलो ना, मेहनत करो ना ताकि लगे भूख लगी। फिर उसके बाद सर 3 कंपनीज के खुद के भी एक्ट है। जैसे बैंकिंग कंपनी के एक्ट का नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हिम्मत है तो इंश्योरेंस वाला बताओ, आईआरडीए क्या हट, पूरा बताओ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, अब सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मान लो मेरी बीवी है और मेरा अफेयर भी चल रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो मेरी बीवी है, मेरा अफेयर भी चल रहा है। अब सर जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक तो मजे हैं, किसी दिन ऐसा भी आएगा कि दोनों की बातों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। एक जने ने बोला ग्रे जैकेट पहन के जाओ, एक जने ने बोला ब्लू जैकेट पहन के जाओ, तो सर अब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपको अल्टीमेटली किसी की बात सुननी पड़ती है। तो किसकी बात सुनोगे सर, बीवी की कि अफेयर वाला? बेटा ये अफेयर में जितना भी मजा है, लंबा चलना तुमको शादी है, तो तुम लोग किसकी बात सुनते हो अल्टीमेटली, बीवी की। अभी सिमिलरली एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अप्लाई होता है और इधर कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं नहीं ये मेरा है। कल को जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा सर, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि हमारे हर कंपनी में 5 डायरेक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट बोलता है हमारे में 3 डायरेक्टर होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो तुम किसकी बात सुनोगे सर? यहाँ पे अफेयर वाली ने खुद से बोल दिया कि भाई पहले बीवी की बात मान ले, बीवी की बात मानेगा तो जिंदा रहेगा तो ना अफेयर करेगा। तो उसने बोला बेटा तू जो मेन एक्ट है, तो जब आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और कंपनीज एक्ट में डिफरेंसेस आते हैं तो कौन जीतेगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। और ये कंपनीज एक्ट ने सामने से बोल दिया। यहां पे इन्होंने लिखा ये जो 3 कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके आगे इन्होंने लिख दिया एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ रेस्पेक्टिव एक्ट। मतलब क्या, जब तक हमारा सामने वाले एक्ट से पंगा नहीं होता है तब तक तो तुम हमारी बात सुन लो, समझे? तीसरा सर एक्चुअली ये ऊपर जो 3 नाम लिखे ना तुमने, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाजू में एक और नाम लिख लो, एनी अदर कंपनी अंडर एनी स्पेशल एक्ट। सर कभी कभी स्पेशल एक्ट्स होते हैं, स्पेशल एक्ट जैसे कि कोई बता सकता है मेरे को कौन सी कंपनी स्पेशल एक्ट में फॉर्म होती है? सर उन्होंने बोला एलआईसी, एलआईसी स्पेशल एक्ट में फॉर्म होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी पे जाएंगे तो आंसर अलग हो सकता है, पर चलो आपके कंफर्ट के लिए हम ये बोलते हैं कि जो एलआईसी है उसका एक अलग से एक्ट है, एलआईसी एक्ट, उसके अंडर फॉर्म हुई है ना, तो उसको भी पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। शर्त यही है कि कल को एलआईसी एक्ट और हमारे बीच में अगर लड़ाई हुई तो जीतेगा कौन? एलआईसी एक्ट। और लास्ट पॉइंट लिखो, एनी अदर बीसी, बेटा पूरा लिखो बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। सर अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इसको भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होएगा तो होएगा। भाई ने बोला बापू दिखते हैं, मतलब दिखते हैं, तो सर ऐसा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है अभी तक? हाँ सर, आपने एक नाम बताओ सुना है कि नहीं सुना है, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम से समझ आता है क्या काम करते होंगे, रेलवे का, रेल, अबे हाईवे बनाते होंगे ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो हाईवे ही बनाते होंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? रुको जरा, आएंगे, सबर करो। सर बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तू है भले बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन तेरे को पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता कैसे है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से नोटिफाई करता है, किधर? अपने ऑफिशियल गैजेट में। एक ही जगह से बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट से, तो उधर वो लिख देगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आज से कंपनीज एक्ट लगेगा, तो लगेगा बोला तो लगेगा, तो उस समय से उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन लोगों को कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहला जो कंपनीज इस एक्ट में याद करने हैं, मतलब करो, मेरा हो गया, तुमको मैं लाके कल दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा तुमको, हो गया। याद किसको करना है? तुमको। मेरे को 2 शब्द कम भी याद रहेंगे तो चल जाएगा, तुमको याद रहेंगे तो चल जाएगा, पर बाकी तो याद करो, याद तो करो। सर 3 चीजों का एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बने हैं और जो प्रीवियस एक्ट। दूसरा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर. तीसरा, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन कौन 3 पॉइंट बोल लेगा? नहीं पूछूंगा कसम से, बस हाथ उठा लो. जो नहीं उठाएगा उसको पूछूंगा. कौन कौन ये 3 पॉइंट बता देगा? लोग सोच रहे हैं क्या पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पे. बोले उठाऊं कि नहीं उठाऊं, बचूंगा कहाँ पे मैं. अबे बचना नहीं, तुम बस ये बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ. बोले बचना कहाँ पे, चलो नीचे करो नालायक लोग. चलो सर, ये आपका सेक्शन 1 था. सेक्शन 1 में 4 बातें थी. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी में 3 पॉइंट था, किसको किसको अप्लाई होता है. तो मेरे को एक बात बता दो, LIC जो है उसको अप्लाई होता है क्या कंपनीज एक्ट? हाँ होता है. क्यों? क्योंकि इट इज अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट. ठीक है सर, ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 1 था. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी. अभी तुमको अगर ऐसा लगता है कि सर एक शॉर्टकट बनाएंगे इसका SECA, तो बेटा ऐसे करके ना इतने शॉर्टकट बन जाएंगे हमारे कंपनीज एक्ट में कि सारे शॉर्टकट का एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा कि बेटा ये शॉर्टकट से सारे शॉर्टकट्स याद रहेंगे, वो शॉर्टकट से प्रोविजन याद रहेगा. फिर जब तुम एग्जाम हॉल में जाकर के डीकोडिंग कर रहे हो, जो तुमने अभी एनक्रिप्ट मारा, तुमने एनक्रिप्ट मारा ना अभी, उसको जब तुम डीक्रिप्ट करोगे एग्जाम हॉल में, तब तुमको सवाल आएगा अबे मेरा ये पेपर 60 नंबर के ऊपर खत्म काहे नहीं होता है, ऐसा क्या कर रहे बाकी लोग जो मैं नहीं कर रहा हूं. तुम लोग ये एनकोडिंग डीकोडिंग कर रहे हो. ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, ये आपका सेक्शन 1 था जिसका नाम था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी. दूसरा सेक्शन, सेकंड नंबर सेक्शन का क्या नाम है सर? आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा क्या? डेफिनेशन. हेडिंग डालो, सेक्शन 2 डेफिनेशन. आपने एप्लीकेबिलिटी लिखा मेरे साथ पक्का? ठीक है डालो, सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी. पता है, लिखो डेफिनेशंस. सर सबसे पहले एक सेकेंड रुक जाओ, कोशिश करते हैं पूछने की कि नेट कनेक्ट कर देंगे क्या. 1 मिनट दो बस मेरे को. चलो तुम तब तक स्क्रीन में जो कंपनी वर्सेस बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, कंपनी का डेफिनेशन उतना तो लिखो. नहीं दिख रहा? कैसे नहीं दिख रहा? तुम लोग यूनिटी में नहीं दिख रहा है बोल रहे हो, मेरे को और भी डर लग रहा है. सुनो, नहीं कोई बात नहीं, नेट आएगा पासवर्ड, तब तक मेरी बात सुनो दोस्तों. सर आपने कंपनी का डेफिनेशन लिखा. सबसे पहले डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ. अच्छा चलो ना, अपने पास ICAI का मॉड्यूल खुला हुआ है. सर देखो ये आपका ICAI मॉड्यूल है, ICAI मॉड्यूल है ये. सर आपका भगवान है. आने वाले दिनों में अगर कोई आपको पास कराने की क्षमता रखता है तो वो ये है. अगर आपको कोई रैंक दिलाने की क्षमता रखता है तो ये है. कोई भी चीज अगर आपको समझनी है, कोई भी चीज अगर आपकी कभी जिंदगी में टेंशन आए कि यार ये तो उधर तो ये हुआ था, इधर ये हुआ नहीं हुआ, आ करके कंट्रोल F मारना. इसमें कंट्रोल F में मिल जाए तो मेरे पास आना, नहीं मिलेगा आराम से घर पे बैठ जाना. अब सर ये आपका चैप्टर 1 है. चैप्टर 1 का क्या नाम है? प्रिलिमिनरी. प्रिलिमिनरी में जरा देखो, प्रिलिमिनरी में क्या हेडिंग दिया है. पहला तो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट. फिर दूसरा एप्लीकेबिलिटी, फिर तीसरा डेफिनेशन। मतलब हमने आज की क्लास में तीन टॉपिक में से दो तो खत्म कर डाले, बचा क्या है, सिर्फ डेफिनेशन बचा है। यह अलग बात है कि अगर 30 पेज का चैप्टर है तो 2 पेज में हो गया ये, बाकी अभी 28 पेज बचे हुए हैं। सर डेफिनेशन में आप सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ो, देखो एक बार समझ आ रहा है क्या क्या लिखा है। पहला, द कंपनीज एक्ट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ये क्या हो गया सर, प्रीएम्बल। अच्छा तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, करवा लो और फिर बुक्स मंगवा लो नवंबर के लिए। मेरे को नहीं लगता नई किताब आएंगे, 1-2 दिन में देखते हैं कोई अपडेट और आए तो। पर आप लोग अपने जो भी ICAI मॉड्यूल्स हैं, ये मत सोचना कोई नया किताब आएगा ये होगा वो होगा, आप किताबें सारे मंगवा लो। अच्छा रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, 20 तारीख, अभी वाला 20th और 28 फरवरी ये है। हाँ रुक जाओ सर, वो भी कैपिटल नहीं है। अच्छा आप मेरे को देख के बताओ तो स्क्रीन पर पासवर्ड दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं भी नहीं दिख रहा तुमको, बस 1 सेकेंड। ये क्यों आ रहा है साउंड? सब दिख गया तुमको, मेरे को पता है। वो आई थिंक एप्पल का वो इतना स्ट्रांग है ना। चलो हाँ बोल के एक लड़का ऐसे लिख रहा है, बोले पासवर्ड लिख लेते हैं, हो गया। हाँ चलो दोस्तों अब अपना नेट चलेगा, पर अपने को अभी ICAI मॉड्यूल खोल लिया अपन ने। तो पहला वाला लाइन क्या है आपका, प्रीएम्बल है, जहां पे उन्होंने लिखा है क्यों एक्ट बना है। दूसरा लाइन क्या लिखा है, द लेजिस्लेशन, द लेजिस्लेशन मतलब ये जो लॉ बना है, इट वाज नेसेसिटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बड़ी बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द कंपनीज एक्ट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29th अगस्त 2013 इस दिन अप्रूव हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, एंड वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30th अगस्त 2013 फॉर, अरे बोलो क्या लिखा है। भगवान मेरी आपसे दुआ है क्लास में जो जो लोग जोर जोर से बोलेंगे उनको मेरे तरफ से 5-5 नंबर एक्स्ट्रा दे देना हर सब्जेक्ट में, ये मेरी दुआ रहेगी। अब देख लो तुम लोग, अगर 2-3 दिन में ये काम नहीं करेगा तो दुआ बदल देंगे हम, कि जो बच्चा ना बोले उनके 5-5 कम करवा देना भगवान, वो दुआ ज्यादा जोर से लगती है। दूसरा, फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट थ्रू नोटिफिकेशन। अब देखो सेक्शन 1 कब फोर्स पे आया, सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30th अगस्त 2013, 98 सेक्शंस केम ऑन फोर्स ऑन 12 सितंबर, मतलब अगस्त को हुआ, फिर 12 सितंबर को और 98 सेक्शन। फिर क्या लिखा है, 143 सेक्शंस वर एनफोर्स्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एंड सो ऑन। आज कौन सा दिन है? नहीं नहीं तुमको पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, दिन तो डे तो मेरे को डेट तो याद है, आज कौन सा दिन है। दूध से तो सुबह सुबह तुम ही लोग नहा करके आते हो, इतने दूध के धुले हुए तो तुम ही लोग हो ना, मंडे बोले, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है सर, नेक्स्ट पैरा छोड़ दो आगे का पढ़ो। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन कमेंसमेंट, सबसे पहला लाइन क्या लिखा है, सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द टाइटल ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू विच द एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। फिर क्या लिखा है, further this section deals with the extent of applicability of act, it says that the act shall extend to the whole of India। तो पहला वाला हो गया शॉर्ट टाइटल, फिर हो गया एक्सटेंड, फिर क्या आएगा कमेंसमेंट। अपने को पता हो गया कमेंसमेंट कब है, ऊपर अपन ने पढ़ लिया कि एक सेक्शन आया था, आगे के और सेक्शंस आए थे। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो सर, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखा है, दिस सेक्शन फर्दर मोर स्टेट्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, पॉइंट नंबर ए क्या लिखा है पढ़ो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ 1956, ठीक है। उसके बाद देखो बी पॉइंट क्या लिखा है, पहला 2 वर्ड पढ़ो सर, बी क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी, सी क्या है बैंकिंग कंपनी, डी क्या है, इतना लंबा इन्होंने लिखा है पर उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ई क्या है एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, बस ये चार अलग अलग कंपनीज को भी अप्लाई होगा। फिर इतना लंबा लंबा क्या लिखा है सर? सिर्फ लिखा यही है कि जो एक्ट इनको एप्लीकेबल है उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्या अगर सेम है तो ठीक है, इनकंसिस्टेंट है तो कौन जीत जाएगा? रेस्पेक्टिव एक्ट जीत जाएगा। और लास्ट वाला क्या है? सच बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 6 लोगों को, ये मतलब बेसिकली हमारे लिए 3 लोगों को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद सर ये देखो और इन्होंने समरी बनाया है, समरी दा समरी बनाया इन्होंने। अभी कभी भी आपको अगर कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने उसका ICAI मॉड्यूल जरूर खोल करके एक बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मेरे को ICAI मॉड्यूल कितना जम रहा है। बस ICAI मॉड्यूल में एक ही प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है सर? आज तो पढ़ लोगे, पर एग्जाम के पहले आप लोगों के पास रहते हैं सिर्फ 1.5 दिन, 1.5 डे। वो 1.5 डे में तुम कितनी भी कोशिश कर लो 600 पेज पूरा नहीं पलटा सकते। मतलब तुम पढ़ो भी नहीं ना, ऐसा 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 सर पलटाओ 600 पेज, तो भी आपका 6-7 घंटा चला जाता है। तो तुम समझो कि आज हमको उस बुक से पढ़ना जरूरी है जो हम एग्जाम के पहले यूज कर सके। वहीं पे मेरा जो कॉन्सेप्ट नोट्स होता है वो पूरे काम पे आता है। क्यों? क्योंकि सर देखो अभी जो हमने ऊपर लैंग्वेज पढ़ा वर्सेस जो हमने अपने नोट्स में लिखा, क्या मतलब पूरा सेम निकल करके आया? हाँ, क्या मतलब पूरा सेम निकल करके आया? हाँ सर। पर डिफरेंस क्या हो गया कि हमने लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स थे उसको निकाल करके अपने नोट्स में लिख लिए, तो उससे क्या हुआ, हमको सेंस भी बन गया और हमको चीजें याद भी हो गई। और यही चीज जो है पूरा आपके समरी नोट्स में किया गया है। आपके समरी नोट्स में मैंने हर चीज को पूरा प्रॉपर टाइप किया है, जैसे कि ऐसा नहीं कि उधर से कॉपी किया इधर पेस्ट करके फॉर्मेटिंग कर दिया। अगर मैं एक पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूं तो वह सेंटेंस को मैंने याद करके उसको थोड़ा ट्विक करके लिखा है ताकि कीवर्ड्स पूरा रह जाए, लॉ का लैंग्वेज पूरा रह जाए, लॉ का मतलब ना बदले, और एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए समराइज होकर के चीजें हो जाए। ये हो गया सर आपका सेक्शन 1। सेक्शन 2 बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। सर डेफिनेशंस क्या होते हैं? अब आप सेक्शन 3 से लेकर के पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट में कई बार ऐसी चीजें आएगी जो आपको समझने की जरूरत है। कुछ बेसिक वर्ड्स अगर हो गए, कुछ बेसिक इंग्लिश हो गई, तो वो तो चलो आपको गूगल से समझ आ जाएगा। पर अभी लॉ ने हल्के हल्के में एक शब्द कह दिया, बॉडी कॉर्पोरेट। ये बीसीबीसी, ये बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? What is this body corporate? How do we know? तुमको बताएगा क्या बॉडी कॉर्पोरेट क्या होते हैं? तो किसको बताना पड़ेगा क्या होता है? कंपनी, आपका कंपनीज एक्ट बताएगा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। अब सर आप समझो, जब किसी ने लॉ लिखा तो लॉ लिखते वक्त सर उनको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ा होगा। अभी जो मैं बताने वाला हूं एकदम ध्यान से सुनना। ओ फाउंडेशन वाले हीरो, ओए सारी चीजें ध्यान से सुनना। सर आपको पता है लॉ लिखा तो लॉ को हमने सबसे पहले बांट दिया चैप्टर्स में, चैप्टर्स के बाद बांट दिया हमने और सेक्शन नंबर में। अब क्या होगा तुम समझो, सेक्शन नंबर में भी हमको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने। कभी कभी तुम 4-4 पेज का सेक्शन लिख रहे हो। कल को तुमको पता है ये लॉ को यूज करके कोर्ट में केस लड़ा जाता है, तुमको पता है कि नहीं कोर्ट में केस लड़ा जाता है। अब क्या होगा तुम समझो, मेरे पास प्रिंट आउट है, जज के पास प्रिंट आउट है, मैं बोल रहा हूं अरे वो पेज नंबर 48 में देखना 3rd लाइन लिखा हुआ है, तो बोले नहीं मेरे पास दूसरे ऑथर की बुक है, मेरे 51 पेज नंबर है। ये सब चलेगा क्या? नहीं ना। हर एक लाइन जो है लॉ का उसको एक स्पेसिफिक रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं बोलूंगा भैया पॉइंट नंबर XYZ देख, तो वो समझेगा। तो सर लॉ को लिखने का एक स्ट्रक्चर बनाया गया। तुमको पता है क्या स्ट्रक्चर? सेक्शंस। सेक्शंस में जब मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं तो उसको मैं कहता हूं सब सेक्शंस, सब सेक्शंस के अंदर जब और पॉइंट्स लिख रहा हूं उसको मैं कहता हूं क्लॉज, और उसके अंदर जब और पॉइंट्स लिख रहा हूं तो उसको क्या कहते हैं? सब क्लॉज। अब सर एक एग्जांपल देखो, आपका जो ये सेक्शन नंबर अभी जो आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 1 क्या था? वो सेक्शन नंबर 1 था, राइट? ये देखो सर मैं आपको ये वाला दिखा रहा था ई बुक जो है आपका। ई बुक में कंपनीज एक्ट में चैप्टर 1 से शुरू होकर के आपका एंड में देखो चैप्टर XX1X, मतलब ये क्या हो गया आपका 29। उसके बाद कितने शेड्यूल हैं? आप अगर देखोगे तो नीचे तक 7 शेड्यूल्स हैं। अब एक बार आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे, एक बार आ जाओ। अरे तुम टेंशन काहे ले रहे हो, आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे। क्या है चैप्टर नंबर 1? प्रिलिमिनरी। बोले होने ही नहीं दूंगा, ऐसे कैसे दिखा देगा सर? ये देखो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। तो सर ये सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन के अंदर क्या रहता है? सब सेक्शन। तुम मेरे को बताओ जरा यहां पे सब सेक्शन की पहचान कैसे होगी? प्लीज जरा देखो, जो ऊपर 1 में लिखा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेशन, वो हो गया सेक्शन। उसके नीचे जो ब्रैकेट में 1 लिखा है वो क्या हो गया? सब सेक्शन। सब सेक्शन 1 में कुछ और क्लॉज है क्या? नहीं। 2 में है क्या? नहीं। 3 में है क्या? नहीं। 4 में है। 4 में आपको और पॉइंटर्स डालने हैं, तो आपने क्लॉज डाला ABCD। अभी सर आपका A स्मॉल है, ठीक है, और ABCD सारे स्मॉल है, ये क्या हो गए? क्लॉज। अगर अभी क्लॉज में भी मेरे को और पॉइंट्स डालने होते तो मैं पॉइंट्स डालता सब क्लॉज में। और एक सिंपल सी बात है, हर चीज का फॉर्मेट है, हर चीज का फॉर्मेट है। आप सेक्शंस कैसे लिखते हो? सेक्शंस लिखते हो आप ऐसे, सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन लिखते हो आप ब्रैकेट में, सब सेक्शन नंबर 1 ब्रैकेट में। उसके बाद क्लॉज लिखते हो आप स्मॉल अल्फाबेट में, वो हो गया ए। और सब क्लॉज लिखते हो आप स्मॉल रोमन नंबर्स में, आप लिखते हो 1। ये आपका हो गया पूरा रीडिंग। अब आप इसको कैसे रीड करोगे? आप रीड करोगे सेक्शन 1 का, सब सेक्शन 1 का, क्लॉज ए का, सब क्लॉज 1। ये प्रोविजन है। तो अब आप ये बोलोगे तो दोनों ऑथर का अलग अलग भी होगा तो वो मैच तो कर लेगा। पर सर मेरे को एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए? पक्का क्लियर हो गया क्या सेक्शन क्या सब सेक्शन? अब सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये आपका कंपनीज एक्ट है, ध्यान से सुनना, गलत जवाब दे सकते हो, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ये मेरे को दिखाने दे दो, ठीक है सर। ये आपका चैप्टर 1, ये सेक्शन क्या है? डेफिनेशन वाला सेक्शन 2 क्लिक किया मैंने, ये आपका सेक्शन 2 आएगा, आएगा ना? क्या बोलते हो, आएगा ना? आएगा, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आएगा, आ जाना मेरे भाई। चैप्टर 1 सेक्शन 2। इधर स्पीड क्या दिखा रहा था पता है? नेट का 1.1 जीबीपीएस। ये हमारे इंडिया में ही होता है। खुल जा बेटा। चलो आपको मैं बेयर एक्ट दिखाता तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता। 2 में 1 सेकंड रुक पाओगे तुम लोग? सर हम तो 15 मिनट रुक जाए। आप बस रुकने बोलो, आप बस बोलो कि सीधा कल देखेंगे बेटा, तो हम कल भी रुक जाएंगे, है ना? हाँ बोलते हैं, हद है यार, मुंह पे हाँ बोल देता है। चलो सर आईसीआई मॉड्यूल से देख लो। सर ये देखो, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपका हेडिंग दिख रहा है आपको, डेफिनेशन। अब सर देखो यहाँ पे पूरा बेयर एक्ट छपा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2 स्टेट्स दैट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स, ब्रैकेट में 1 है एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस के बारे में कहां पे लिखा हुआ है अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा 2, 1। तो ये क्या हो गया सर? 2 हो गया आपका सेक्शन और 1 हो गया आपका क्लॉज। 1 हो गया आपका क्लॉज। बोले सर क्या कर रहे हो हमारे साथ? अब भी आपने बोला कि नहीं कि ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज है, ये सब क्लॉज है। इतनी क्लैरिटी मिली अपने को। सर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है? एक मूवी थी जिसमें एक सपने के अंदर ऐसा 7 बार था। वो मूवी देख के मैं कंफ्यूज हो गया, पर फिर मैंने लॉ पढ़ा तो मेरे को वो मूवी इजी लगने लग गई। सर इतना कंफ्यूज तो मैं इंसेप्शन देख के नहीं हुआ जितना लॉ में एक्सेप्शन से हो जाता हूँ। सर अब ये जो सेक्शन 2 है ना, ये एक्सेप्शन है। क्या? सेक्शन 2 में ना ये जो पॉइंट है ये क्लॉज हो जाता है। ऐसा क्यों सर? क्यों किया लेकिन ऐसा? अगर मैं तुमको अभी बेयर एक्ट दिखा पाता ना तो मैं तुमको दिखाता। खुल जाना मेरे भाई, खुल जाना प्लीज। एक और कोशिश करेंगे। कंपनी एक्ट पीडीएफ, ये जो हम फ्री में डाउनलोड करते बैठते हैं। हाँ मिल गया। सर ये देखो, हाश बोलो, हाश। सर ये देखो, अब देखो, अब देखो, देखो ये आपका सेक्शन 2 है, डेफिनेशन। अब सेक्शन 2 का हेडिंग का नाम क्या है? डेफिनेशन। उसके अंदर जो एक लाइन लिखा है, इन दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। सर ये लाइन को भी एक रेफरेंस देना पड़ेगा ना, ये लाइन को भी एक रेफरेंस देना पड़ेगा ना। तो ये लाइन को सबसेक्शन माना जाता है, पर क्योंकि आपके और अलग अलग सबसेक्शंस नहीं है इसलिए इसको नंबरिंग नहीं दी गई। पर उसके बाद जब नंबरिंग दी गई तो जो पहला पॉइंट है एवरेज प्रोस्पेक्टस, वो भले ही नंबर 1 आ रहा है लेकिन उसको हम क्या रीड करते हैं? क्लॉज रीड करते हैं। तो अगर आप मेरे को पूछोगे सर कंपनी कहां डिफाइंड है, तो मैं आपको बोलूंगा कंपनी इज डिफाइंड अंडर 220। ये 220 को रीड कैसे करोगे सर? इसको सेक्शन 2 क्लॉज 20 तो लगता सबसेक्शन है पर है ये क्लॉज। सर ऐसा गेम हमारे साथ कहीं और भी होता है क्या? तो मैं आपको बोलूंगा ये सेम गेम नहीं होता है। अलग अलग तरह के गेम होते हैं, ये सेम गेम सिर्फ यहीं पे होता है, ठीक है। तो आपको और कहीं पे भी ये नहीं करना है, पर सिर्फ सेक्शन नंबर 2 पे करना है। अब आपने हेडिंग क्या डाल रखा था, बॉडी कॉर्पोरेट वर्सेस कंपनी डाला, कंपनी का डेफिनेशन में आपने क्या लिखा, कंपनी ब्रैकेट में आपने लिखा सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्लॉज 20 में डिफाइंड है। सर कंपनी मतलब क्या होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, मतलब ये तो वही है ना जो हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे। पर सर आपने बचपन में भी एक डेफिनेशन पढ़ा था कंपनी का, सैलोमन वर्सेस सैलोमन वगैरह, उसके ऊपर कहीं पे था, क्या था सर कंपनी मतलब, कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील, ये सब कुछ लिखा था ना। मैंने हाँ सर हल्का हल्का याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमने भी पढ़ाई तो की थी थोड़ी सी। क्या होता है सर कंपनी, नीचे लिखो उसके नीचे डेफिनेशन, आपने वो कंपनी का लॉ वाला डेफिनेशन लिख लिया, अब जनरल वाला डेफिनेशन लिखो। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having a separate entity with perpetual succession and a common seal दोस्तों ये डेफिनेशन में कंपनी के 5 इंपॉर्टेंट हिस्से सामने आते हैं। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या, ये लोग पैदा नहीं होते हैं, हम इंसान पैदा होते हैं, कंपनीज पैदा नहीं होते, इनको हम बनाते हैं, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो दीज आर व्हाट इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा कीवर्ड क्या आया सर, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, इनकी आंखें नहीं है देखने के लिए, ये लोग वैलेंटाइंस डे नहीं मना पाएंगे, क्या बोल रहे हैं वो तो तू भी नहीं मना पाएगा, उसको क्या बोल रहा है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये लोग देख नहीं सकते, ये लोग बोल नहीं सकते, ये लोग सिग्नेचर नहीं कर सकते, दीज आर नॉट आर्टिफिशियल, दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा दे हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब क्या, मतलब मैं और अगर मेरी कंपनी है तो हम दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है, बीच में एक पर्दा होता है, उसको क्या कहते हैं, सैल्मन वर्सेस सैल्मन, वही अच्छा था ना सर, बोले वही फिर से पढ़ लेते, मत बोलो बहुत लोग पढ़ रहे हैं बेचारे, ऐसा बोलो मत तुम, तो सर बीच में क्या होता है पर्दा, और वो उसको क्या कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। उसके बाद चौथा परपेचुअल सक्सेशन, मतलब क्या, जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था कि कंपनी 100 साल से चले आते, 100-150 साल से चले आते, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते जाती है, क्यों, क्योंकि कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है और उसका इंसान से कोई लीगल कनेक्शन नहीं है। और नेक्स्ट कॉमन सील, कॉमन सील मतलब क्या सर, कॉमन सील का बात ध्यान से सुनना बेटा, कॉमन सील का बात ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। सर कॉमन सील क्या होता है, देखो कंपनी है, आपको पता है कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, आपको पता है कंपनी कैन सू एंड बी सूड, ये सब पता है ना आपको, अरे पता है। सो कुछ बच्चे बोले हमको कैसे पता होगा, वो जो तुम छोड़ के गए थे ना चैप्टर 1, उधर ये सब लिखा हुआ था फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट का, फिर भी बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। सर कंपनीज एक्ट में जो कंपनीज होती है वो लीगल आइडेंटिटी होती है, तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करती है। आप समझो रिलायंस गया जमीन खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए जमीन पे पेपर पे साइन तो करना पड़ेगा ना, रिलायंस कैसे साइन करेगा, बोला ना हमने आर्टिफिशियल पर्सन है, कैसे साइन करेगा, तो सर आप किसी को कंपनी में ऑथराइज कर देते हो। बेटा आपका नाम क्या है, गौरी, आपका नंदनी है ना, वही हाँ। तो गौरी, मान लो मेरे कंपनी में गौरी जो है डायरेक्टर है, मैंने गौरी को ऑथराइज कर दिया एज अ कंपनी कि गौरी रिलायंस के बिहाफ में जो पेपर साइन करने हैं ना वो आप साइन कर लो, और साथ में उसको एक लीगल फॉर्म देने के लिए मैंने क्या बोला, ये लो हमारे कंपनी का कॉमन सील, ये कॉमन सील लेकर के क्या करो आप लगा दो। लेकिन बेटा कॉमन सील जो है ना ये पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, आजकल पोस्ट कोविड यू थिंक कॉमन सील कैसे लगाएंगे, यार हम तो कितने सारे ई डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं ना, कॉमन सील कैसे लगाएंगे, तो लॉ ने बोला कॉमन सील जो पहले मैंडेटरी हुआ करता था ना अब वो क्या हो गया है ऑप्शनल, तो कॉमन सील नहीं है तो क्या करेंगे, फिर कॉमन सील अगर नहीं है ना तो कंपनी के दो डायरेक्टर अगर साइन कर देंगे तो कॉमन सील की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर कंपनी में सीएस है, कौन है सीएस, सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, तो दो डायरेक्टर के जगह एक डायरेक्टर और एक सीएस भी साइन कर देगा ना तो काम हो जाएगा, हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अरे बोलो डिड यू अंडरस्टैंड, क्या समझे? मैंने आपको बोला कंपनी में 5 चीजें होती है, याद करने की जरूरत, तो मैं टाइम पास करवा रहा हूं, नहीं है बोले, वैसे नहीं है याद करने की जरूरत। आपको याद क्या करना है सर? ये सब मैं आप लोगों का बेस बना रहा हूं, इसी के बेसिस पे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आज तुम याद कर लो मेरी बात, आज तुम्हारी पहली क्लास है, धीरे धीरे देखते देखते ऐसे ही एक दिन आएगा जब हम सेक्शन 148 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? धीरे धीरे आराम से रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा मार के तुम समझो, धीरे धीरे हम सेक्शन 1-2 पढ़ रहे हैं। कल तुम आओगे तो मैं तुमको पूछूंगा सेक्शन 1 क्या था, तो तुम चिल्ला के बोलोगे 2 क्या था, डेफिनेशन चिल्ला के बोलोगे, फिर 3-4 आएगा, 5 आएगा, जुड़ते जुड़ते ऐसे दिन आएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पूरा 3 से लेकर के 22 तक पूरे सेक्शन रिवाइज कर रहे हैं। फिर ऐसे करते करते 148 तक आएंगे। फिर एक दिन आएगा जब मैं तुमको बोलूंगा 1 क्या था, 11 क्या था, 21 क्या था, 31 क्या था, 41 क्या था, 42 क्या था, 32 क्या था, 22 क्या था, 12 क्या था। तो इस तरह से हमारा पूरा रिवीजन होकर के सारे सेक्शंस तुमको आराम से याद हो जाएंगे। लेकिन ये जर्नी है, ये जर्नी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये जर्नी है तो उसको आराम से तुम करो। भाई कुछ बच्चे बोले सर खत्म हो रहा है क्या लेक्चर, आज बीच दे रहे हो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म करने दो। सर आप कंपनी का मतलब तो समझ गए, मेरे को कोई बता सकता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होते हैं? What is a body corporate? Anyone? फाउंडेशन में पढ़े थे, प्लीज बेटा बोलो। बीकॉम बोले बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म देन कंपनी। ये तुमको आता था लॉ और एक्ट वाला प्रोविजन, और तुमको सवाल आ गया कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का, तो बोले लॉ और एक्ट वाला प्रोविजन इधर कैसे बैठाएंगे, तो आपने बैठाया। सुनो आपने सही बोला थोड़ा सा, मतलब आपने वैसे पूरा सही बोला, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? आप जो बताए वो पॉइंट मैं कब बोलूंगा, लास्ट में, जब कंपनी और बॉडी। पर बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है सर मेरे को बताओ? कंपनी मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, करेक्ट? मेरे को बताओ टेस्ला क्या है? टेस्ला एक कंपनी है, सुना है? किसका है वो? इलॉन मस्क। नाम तो ऐसे ले रहे हो जैसे चच्चा लगते हैं हमारे, ठीक है? तो इलॉन मस्क का टेस्ला है। ट्विटर किसका है? इलॉन मस्क का है। ट्विटर की बात करते हैं, मेरे को बताओ ट्विटर क्या कंपनी है सर? क्या ट्विटर कंपनी है? नहीं। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है। ट्विटर क्या इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है क्या? नहीं ना, उधर के लॉ में वो होगी कंपनी, वो होगी कंपनी, वो है जनरल वर्ड। बट क्या हमारे लिए कंपनी के डेफिनेशन में ट्विटर आता है क्या? नहीं। पर क्या ट्विटर बीसी है? तुम बोलोगे नहीं उसका मालिक है, ऐसा नहीं। तुम देखो ये सब बातें मैं करता हूं, मैं टीचर हूं, मैं काम करता हूं तुमको तुम्हारी सोच से मिलाने का, मैं सिर्फ जरिया हूं। तुम जब कोई चीज सोचते हो तो तुम अपनी सोच से मिलते हो, मेरी सोच से नहीं, ठीक है? तो ट्विटर जो है वो एक कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी है। उसको क्या कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा? नहीं। कंपनीज एक्ट किसको अप्लाई होता है? कंपनी को, जो कंपनीज एक्ट के अंदर बने। ट्विटर कंपनीज एक्ट के अंदर बना है क्या? नहीं। तो ट्विटर है क्या? तो ट्विटर एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस समथिंग व्हिच इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर बना है ना उसको भी खींच करके हम बॉडी कॉर्पोरेट बोल देते हैं। तो क्या सर हर बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है? नहीं, कुछ सिलेक्टेड बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है उसको अप्लाई होता है। तो ट्विटर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पर क्या ट्विटर कंपनी है? नहीं। क्यों सर? आप समझ रहे हो ना, वो कंपनी है। अगर हिंदी में बात करें तो वो भी एक कंपनी है, पर हमारे कंपनीज एक्ट में लिटरल मीनिंग में ट्विटर एक कंपनी है क्या? नहीं। ट्विटर एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? लिखो, बॉडी कॉर्पोरेट आपके लॉ में डिफाइंड है। बॉडी कॉर्पोरेट ब्रैकेट में डालो 2 क्लॉज 11, लिखो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी incorporated outside India। फिर नीचे लिखो but does not include बट डज नॉट इंक्लूड पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा बीसी नोटिफाइड बाय सीजी बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता है। सर मेरे को एक बात बताओ, कौन दो लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं? पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है सर? आपने सुना होगा जैसे एक अगर एक अपार्टमेंट बना, उसमें एक सोसाइटी बनी जिसमें 25 अलग अलग घर है। अब सर सोसाइटी का बहुत सारा खर्चा होता है, कॉमन खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, कार पार्किंग का खर्चा होता है। तो ये सारा खर्चा के लिए आप मेंटेनेंस कलेक्ट करते हो, हर सोसाइटी से मेंटेनेंस लेते हो, वो मेंटेनेंस लेके कहां डालते हो आप? तो उसके लिए आप अलग से एक एंटिटी बनाते हो जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं ये भी एक लीगल एंटिटी होते हैं, पर क्या इनको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं आप? अगर लॉ में ये लाइन नहीं लिखी होती ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड करो तो आप बोल देते। तो इसलिए लॉ ने क्लियरली क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा बोला सर? क्योंकि अगर ये लोग ये लाइन नहीं लिखते तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता, और बॉडी कॉर्पोरेट बनता तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट को अप्लाई होते हैं, तो वो अननेसेसरली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी अप्लाई हो जाता। अब तुम बताओ तुमने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई क्यों थी? ताकि वो मेंटेनेंस का पैसा रख करके खर्च कर सके। तुमको कंपनी लॉ का कंप्लायंस करना था क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपने यहां से हटा दिया। दूसरा आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी, वो जिसको चाहे बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से हटा सकती है। तुमने एक लाइन लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करके किसी को हटा रहा है तो वो हटा सकते हैं, समझे? तो सर बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर एक वर्ड यहां पे ध्यान दोगे, ये क्या वर्ड है? इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्यों लिखा है सर? अगर मैं बोलूं माई क्लास इंक्लूड्स गौरी, इसका मतलब मेरे क्लास में सिर्फ गौरी है क्या? नहीं, मतलब amongst other students my class includes गौरी। Similarly body corporate includes, क्या लिखा है? body corporate includes companies incorporated outside India, मतलब बाहर वाले भी आ जाते हैं। मतलब जो इंडिया के कंपनीज हैं वो खुद भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, और वहां पे ये लाइन आता है एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। क्या बोला मैंने? एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दे देना, क्लास खत्म। सबसे पहला, क्या रिलायंस एक कंपनी है? क्या रिलायंस एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या रिलायंस एक बॉडी कॉर्पोरेट है? गुड, पहला क्वेश्चन था। दूसरा, टेस्ला आईएनसी जो यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वो एक कंपनी है? पर टेस्ला आईएनसी जो यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वो एक कंपनी है? कंपनी नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनो तुम। पर क्या टेस्ला आईएनसी जो यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है? ओके। तीसरा, सर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, सुन लेना, एबीसी लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है, लेकिन उसका पूरा 100% शेयर होल्डर कौन है पता है? टेस्ला। मतलब वो टेस्ला की सब्सिडरी है। क्या मैं सब्सिडरी वर्ड यूज कर लूं? पक्का प्रॉमिस यूज कर लूं? समझा दूंगा आगे। पर एक कंपनी है जो बनी इंडिया में है पर टेस्ला की 100% सब्सिडरी है। ये जो कंपनी बनी है, क्या ये कंपनीज एक्ट के कंपनी के डेफिनेशन में आएगा? क्या ये कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में आएगा कंपनी के? क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आएगा? मैं आपको फिर से पूछ लेता हूं तीसरा वाला सवाल। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, कहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ है? इंडिया में। किसकी सब्सिडरी है? 100% सब्सिडरी है। किसकी? टेस्ला की। टेस्ला किधर की कंपनी है? यूएस की। मैं आपको पूछ रहा हूं ये जो एबीसी लिमिटेड है, क्या ये कंपनी है? सर कंपनी मतलब हर वो कंपनी होती है जो इंडिया के कंपनीज लॉ में इनकॉर्पोरेट हुआ है। क्या ये इंडिया के कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुआ है? हाँ। तो कोई भी शेयर होल्डर हो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको किससे फर्क पड़ता है तुम इनकॉर्पोरेट किधर हुए हो? तो ये कंपनी किधर इनकॉर्पोरेट हुई है? इंडिया में। अब ये जो टेस्ला लिमिटेड है, टेस्ला आईएनसी, क्या ये कंपनी है? नहीं। टेस्ला क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। पर एबीसी लिमिटेड क्या है? कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, समझे? पक्का? कोई शक? कोई डाउट? मिलेंगे अगले क्लास में पक्का। चलो गाइस, थैंक यू, आई होप यू हैड अ ग्रेट सेशन। जाओ खाना वाना खा लो, मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 11:15 बजे। टेक केयर, बाय बोलो, बाय, गुड डे गाइस, बाय बाय।